गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 5 मिनट वेट करते हैं। और भी लोग शायद जुड़ जाएंगे हमसे। ऑलमोस्ट अभी करीब 10 लोग करीब जुड़ चुके हैं, तो 5 मिनट और वेट करते हैं जिससे कुछ और लोग जुड़ जाएंगे। फिर क्लास लेने में इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की जो लेस क्लास होगी उसके अंदर में हम बुक फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। आपका जो हिस्ट्री का बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का जो हिस्ट्री का बुक फर्स्ट है, वन बाय वन एक एक लेसन करते जाएंगे, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं बताता जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका वे ऑफ राइटिंग होगा इस क्वेश्चन का, कि किस हिसाब से हम पॉइंट पुटअप करेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे उसका आंसर देंगे, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ उसमें। समझ में आ रहा है दोस्तों? बस 5 मिनट और वेट करते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जब तक यार अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो अपने अपना सारे, जिससे कुछ आइडिया मिल पाए कि कौन किससे मैं बात कर रहा हूँ। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरी आवाज सबको आ रही है? तो एक छोटा इंट्रोडक्शन प्लीज यार अपना अपना, कि मुझे एक आइडिया हो पाए कि हाँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे हमारी डोंट बी साय सर, मारेंगे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड, ठीक है, कोई मेरी एज ज्यादा नहीं है। ठीक है, जस्ट बिहेव लाइक फ्रेंड। ओके, बोलो अपने अपना थोड़ा सा एक नाम और आइडिया दे दो, कहाँ रहते हो, नाम क्या है, थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन जिससे हम आगे क्लास को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, लेसन पे जाते हैं फटाफट। डोंट वेट फॉर अदर्स, स्टार्ट करो आप। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस यस, नेहा चौहान। यस नेहा चौहान, यस आई रिमेम्बर। आप कहाँ रहते हो? सॉरी मैंने सुना नहीं, आप कहाँ रहते हो? यस आपका, यस यस यस। और बाकी सब भी अपना अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है, जिससे एक आइडिया मिल पाए कि हाँ मैं इनसे बात कर रहा हूँ, जिससे जो हमारे कम्युनिकेशन हो अभी का बेस्ट हो। ठीक है, और ये क्लास अगर अच्छी रहती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे वाले आने वाले समय में भी और इसी तरह की क्लास। ठीक है, कैसे? तो टाइम लिमिट मैंने 1 आवर का किया है, तो 4 to 5 मिनट में कैसे खत्म होगी? यस, मैंने 1 आवर किया है इसका टाइम नहीं होगा, डोंट वरी। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज यार, जिससे ना मैं स्टार्ट कर पाऊँ। ठीक है, जैसे अब मैं मान लो आपका मैं नाम जानता हूँ, तो फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन भी पुटअप कर पाऊंगा कि आप ये बताइए। ठीक है, जिससे एक अच्छा कम्युनिकेशन बन पाएगा हमारे और आपके बीच में। ठीक है, देख शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज यार, थोड़ा जल्दी जल्दी दे दीजिए जिससे हम स्टार्ट कर पाए मजे से मस्त। चलो मैं अपने से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। ठीक है, मैं अभी एमए कर रहा हूँ। ठीक है, एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ, और
मैंने मतलब एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ आपके तरह ही, एसओएल और रेगुलर से पढ़ा हूँ, ठीक है, एसओएल में भी पढ़ा हूँ और रेगुलर में भी पढ़ा हूँ, ठीक है, दोनों का एक्सपीरियंस है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, बुराड़ी में मेरा घर है। नॉर्मली मैं पेशे से टीचर हूँ, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी वर्क करता हूँ, कई बार आपके एग्ज़ाम चेक करने के लिए जाता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में। मैं यहाँ पे लोकल टीचर भी हूँ, मेरा लोकल इंस्टीट्यूट भी है, इस तरह से सारा कुछ चलता है मेरा। अब आप अपना अपना एक छोटा सा ब्रीफ, छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए, जिससे ना आइडिया हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। ओके यस, अच्छी बात है तुमने। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेसन, जो भी जुड़े हैं हमारे साथ मोस्ट वेलकम है, ठीक है यार। आपके जो भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जो थर्ड ईयर में है, तो उन्हें भी प्लीज़ बोलिए कि वो भी हमारे साथ जुड़ें, ठीक है, जिससे एक अच्छा उनको आइडिया मिल सके। और ये मैं पहली बार ही करने जा रहा हूँ जो मैं ऑनलाइन आपको एक तरह से लेक्चर बेस पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा तो मैं आगे भी इस तरह से कंटिन्यू करना चाहूँगा, ठीक है। मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं अच्छा खासा कि ऑनलाइन का, बट जस्ट आई एम गोइंग टू ट्राई। तो देखते हैं आज के लेसन में क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर दोस्तों बुक का इंट्रोडक्शन दूं, जो आपके एसओएल की बुक है, ठीक है, बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर की, वो हिस्ट्री की, उसको दो पार्टों में बांटा हुआ है। पहले में आता है विश्व इतिहास के मुद्दे, जिसके अंदर में जो चैप्टर बुक का नाम है, सुनाई दे रहा है मेरी बात सबको, सुनाई दे रही है? हाँ। तो अगर दोस्तों कहीं पे भी आपको लगे कि कंफ्यूजन है या मैं बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, तो आप तुरंत मुझे रोकना, ठीक है, और आप पूछ लेना अपना क्वेश्चन जो भी हो, जिससे आपका क्लियर हो पूरा, ठीक है। तो आपके जैसे बुक का नाम है विश्व इतिहास के मुद्दे 20वीं शताब्दी, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि जो भी 20वीं सेंचुरी में जो भी घटनाएं घटी पूरे वर्ल्ड के अंदर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, अब इसके बारे में अगर हम बात करें, तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत होती है 1901 से लेकर टोटल 20, मतलब 2000 तक का मान के चलो, ये टोटल 20वीं शताब्दी हो गई। इसके अंदर में घटना घटती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा आपका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगा, ठीक है, शीत युद्ध आएगा, और इसके अंदर में जो भी समझौते हुए, जो भी संधियां हुई, वो सारा हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। ये बुक फर्स्ट का इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर में सारी चीजें होंगी। अगर आप चैप्टर को देखोगे तो इसमें टोटल 5 से 6 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर को छोड़ दें तो चार, जो छह चैप्टर उसके बाद के, फर्स्ट चैप्टर को छोड़ने के बाद, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मान के चलो। हर एक चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे चैप्टर दो तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये, अगर आप बीए प्रोग्राम में हो, ठीक है, तो उसमें से अक्सर एक एक दो दो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और अगर आप मान लो किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे भी अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो ये दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यहाँ पे जो लेसन है, फर्स्ट लेसन है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और एक विश्लेषण, ऐसा करके इस लेसन है आपका। आप सभी के पास बुक है, देख रहे हो अपने बुकों में क्या? यस, दैट साउंड्स गुड, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पहले लेसन की बात करूँ, जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर वाले लेसन को छोड़ रहा हूँ, 20वीं शताब्दी और अवधारणाएं परिभाषाएं, यहाँ पे सिर्फ एक ना कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि लोगों के मन में विचार क्या था। जो भी राजनीतिक विचारक आए, राजनीतिक विचारक का अर्थ क्या होता है कि जिस जो राजनीति के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जैसे आज के समय में आप डिबेट देखते होंगे टीवी पे, न्यूज़ के अलग 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 के लोग आते हैं, वो बताते हैं कि ये ऐसा सीन है, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। अगर मैं कुछ नाम लूँ तो जैसे संबित पात्रा, ठीक है, और सुरजेवाला, ऐसा रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी से, तो इस तरह के कुछ होते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना यहाँ पे 20वीं सदी और अवधारणाएं और परिभाषाएं, वहां पर यही चीज है कि वहां पे जो लोग हैं वो अपनी अपनी विचारधारा प्रकट कर रहे थे, जो विचारक थे, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को हम छोड़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्मल हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सेकंड जो पार्ट है, यूनिट है, वहां से प्रथम विश्व युद्ध के कारण और एक विश्लेषण। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं आ रहा, क्या बात है।
चलिए कोई नहीं, आएगा समझ में, आएगा, स्टार्ट करते हैं अब, धीरे धीरे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए नॉर्मली ना आप हिस्ट्री को बोरिंग ना समझ के, आप अगर आप हम समझते हैं कि एक मूवी देख रहे हैं तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, आप सब में से यार कितनों ने एक्समैन वाली मूवी देखी है, जो एक्समैन आता है मार्वल सीरीज का? हाँ देखिए ना, तो वो एक्समैन की तरह ही सेम है। ठीक है, अगर आप एक्समैन की वेब सीरीज देख चुके हो तो, मतलब जो मूवी है उसको देख चुके हो तो आपको अच्छे आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, सॉरी, एक्समैन वाली मूवी से मैं बताऊंगा आपको, जैसे एक्समैन की मूवी में एक जगह सीन है दोस्तों कि जहाँ पे वॉर हो रहा होता है, लड़ाई होने वाली होती है। ठीक है, और एक्समैन क्या करता है कि अपने पावर से सारे मिसाइलों को रोक देता है। ठीक है, जो एक्समैन होता है वो अपने पावर से सारे मिसाइलों को रोक देता है। सेम इसी तरह का जो कंडीशन होता है वो सीथ युद्ध के टाइम पे भी बनता है। ठीक है, जब अगर आप सीथ युद्ध पढ़ोगे और इसको पढ़ोगे तो दोनों आपको लगेगा कि सेम ही है। ठीक है, दोनों की आप कनेक्ट कर पाओगे इजिली। अब हम बात करते हैं दोस्तों पहला चैप्टर के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और विश्लेषण। ठीक है, अगर हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक तरह से ना इच्छाओं का युद्ध था, इसे हम इच्छाओं का युद्ध कहते हैं। इच्छा जो हमारी अंदर के विशेष होती है ना, इच्छाएं, उसका युद्ध कहते हैं। इच्छाओं का युद्ध इसे इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि जो भी उसमें देश थे, जो भी देश थे वो सारे अपनी अपनी इच्छा के लिए लड़ रहे थे। सबके अंदर में कुछ इच्छाएं थी, कुछ चीजें थी कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जिसके लिए वो युद्ध कर रहे थे। अगर इसके अंदर में पार्टिसिपेट्स की देखोगे कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया इस युद्ध के अंदर में, कौन था, कैसे था, तो नॉर्मली यहाँ पर आता है मास्टरमाइंड के तौर पे विस्मार्क, जिसका जो जर्मनी का शासक था। ठीक है, विस्मार्क करके शासक था, जो जर्मनी का शासक था, जिसके कारण से ही सारा युद्ध हुआ। और ये हम क्यों कहते हैं कि इसके विस्मार्क के कारण युद्ध हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्साय की संधि होती है, तो वर्साय की संधि के अंदर में विस्मार्क, जो मतलब जर्मनी के ऊपर सारा इंजाम लगाया जाता है कि इसके कारण से युद्ध हुआ। ठीक है, इसके कारण से हम विस्मार्क को यहाँ पे जिम्मेदार मानते। समझ में आ रहा है दोस्तों? हेलो दोस्तों, समझ में आ रहा है आप सबको? देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विस्मार्क के बारे में, अगर हम बात करें दोस्तों, तो विस्मार्क जर्मनी का शासक था। ठीक है, और जिसने अपनी मतलब स्टार्ट करता है कि किस तरह से हमें मतलब कंट्री को लीड करना है, क्या हम कर सकते हैं, इस तरह की वो चीजें कर रहा होता है, जिसमें वो संधियां करता है, अलग अलग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। जैसे हमारे आज के प्रधानमंत्री जाते हैं अलग अलग कंट्री में, रिलेशनशिप बनाते हैं, संधियां करते हैं। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? देखिए दोस्तों, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ अभी तक? क्लियर है सबको जो मैं बोल रहा हूँ अभी तक? देखो नॉर्मल, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करें, इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर में बनता है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीजन क्या था, कारण क्या था, क्यों हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हम यहाँ पे कारणों के बारे में बात करते हैं, तो मैं एक एक करके कारण यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीजन क्या था, कारण क्या था। ठीक है, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीजन क्या था। ठीक है, इसकी एक विश्लेषण करो। तो विश्लेषण करते समय नॉर्मली आपको याद क्या करना है दोस्तों, जब आप इसका आंसर लिखोगे अपने नोटबुक पे, तो ऑलमोस्ट कम से कम आपका 10 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 10 पॉइंट, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर इस बार आएगा जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का, वो एटलीस्ट 25 नंबर का आ सकता है। 25 नंबर में 10 पॉइंट अगर लिखते हो, और 10 पॉइंट लिखने के बाद एक आप निष्कर्ष डालते हो, तो बहुत अच्छा सा आंसर बन जाएगा, लॉन्ग आंसर बनेगा। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी होगा, जिसके कारण से आप अच्छा नंबर ला सकोगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें 10 पॉइंट की अगर हम बात करें कि कौन कौन से पॉइंट डाल सकते हैं, तो
तो सबसे पहले डालेंगे ना कि महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा है जैसे इच्छाएं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, इच्छाओं का युद्ध था, ठीक है। तो यहाँ पे हम महत्वाकांक्षा डाल सकते हैं कि महत्वाकांक्षा था जो भी लीडर्स थे वहाँ पे, चाहे अमेरिका की बात करो, चाहे फ्रांस की बात करो, चाहे अदर्स की बात करो, सबके अंदर में कुछ इच्छाएं थी कि मैं अगर जीतता हूँ तो मेरी ये चीजें होंगी, वो जीतेगा तो अगर ये चीजें होंगी, इस तरह करके महत्वाकांक्षी थी सबके अंदर में, ठीक है, जिसके कारण से ये युद्ध हुआ। पहला पॉइंट ये होता है, समझ में आता है दोस्तों? हेलो, जब अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ अगर समझ में आता है तो प्लीज प्लीज फटाफट ना बोला करो, हूँ हाँ किया करो, जिससे मुझे एहसास हो कि हाँ कोई सुन रहा है, ठीक है। अदरवाइज जस्ट आई एम स्पीकिंग एंड अदर नो वन इज लिसनिंग, ठीक है। ऐसा हुआ कि मैं बोल रहा हूँ, दूसरा कोई सुन ही नहीं रहा। तो पहला तो ये हो जाता है कि यार जो महत्वाकांक्षी उनके हो जाते हैं, दूसरी हो जाती है संधियां, गुप्त संधियां जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जर्मनी ने क्या किया कि पहले अब वो ऑस्ट्रिया और इटली के साथ संधि कर लेता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक बहुत ज्यादा पावरफुल राज्य था उस समय में, ठीक है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है, ठीक है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया जो है अलग अलग है, इसको माइंड में रखना, क्योंकि दोनों का नाम काफी हद तक सेम है, तो सेम ही लगता है, पर दोनों अलग अलग है। तो जर्मनी क्या करता है, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ संधि कर लेता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक तरह से हॉचअप कर देता है पूरा, मतलब आप हॉचपॉच बना देता है एक तरह से। यहाँ पे हॉचपॉच का कहने का मतलब ये है कि वो सबको उलझा देता है आपस में ही। उसने ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लिया, इटली के साथ संधि कर लिया, सेम उसने पीछे में क्या करता है, रूस के साथ भी संधि कर लेता है, फिर वो इंग्लैंड के साथ संधि करता है। ये जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में पहला संधि होता है, जिसे हम त्रिसंधि कहते हैं, ठीक है। ये जो संधि होती है इसे हम त्रिसंधि के नाम से जानते हैं, जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया होते हैं। इस तरह करके वो बहुत सारी संधि करता है जर्मनी अलग अलग देशों से, ठीक है। जिसमें ऑस्ट्रिया सर्बियाई संधि होता है, त्रिगुट संधि होता है, फ्रांस रूस संगठन होता है। अब ये जस्ट देखता है ना, ये सारे जब देश देख रहे होते हैं कि यार ये संधि कर रहा है, इतने सारे देशों से जुड़ रहा है, तो जो दूसरे देश होते हैं वो भी जुड़ना शुरू करते हैं दूसरे देशों से, ठीक है। जिसमें फ्रांस सबसे पहला स्टेप उठाता है रूस के साथ जुड़कर, इंग्लैंड के साथ जुड़कर, और जो इंग्लैंड होता है, फ्रांस होते हैं और जर्मनी है, तीनों आपस में ना चचेरे ममेरे फुफेरे भाई के मतलब रिलेशन में आते हैं, ठीक है। जिस तरह होता है ना अपने घर में रिलेशन होता है कि यार ये मेरे मामा का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, सेम इसी तरह से जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड का होता है, ठीक है। मतलब वो किसी तरह से जो उनके राजा होते हैं, जो किंग होते हैं जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के, वो सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सारे एक दूसरे से रिलेशन में ही आते हैं। तो एक दूसरे पे वो हमला करने से डरते हैं कि अगर मैं करूंगा हमला तो ये मेरे बड़े भाई का लड़का है, वो मेरे ताऊ का लड़का है, ऐसा करके वो सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक तरह से रिलेटिव होते हैं। तो फिर भी ये अब युद्ध के लिए सारे चीज वो तैयार होते हैं कि यार अगर मैं युद्ध करूंगा, अगर मैं जीत गया तो मेरी जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी। सबके अंदर में एक इच्छा होती है कि मैं युद्ध करूँ, जैसे कि मैं शुरुआत में कहा कि ये इच्छाओं का युद्ध था, ठीक है। तो इच्छाओं के युद्ध में ये नॉर्मली मेन हो जाता है कि ये सारी इच्छाओं को लेकर लड़ रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इच्छाएं क्या होती है, अब युद्ध की शुरुआत का कारण क्या होता है दोस्तों, अगर आप बात करोगे फर्स्ट चैप्टर का, तो यहाँ पे फ्रांस के दो शहर होते हैं, लॉरेंस, ठीक है, अलासिस करके दो शहर होते हैं, लॉरेंस और अलासिस नाम के दो शहर होते हैं। इसको लेकर वो युद्ध की शुरुआत करते हैं कि भाई अगर ये जीत गया मैं, क्योंकि वो दो शहर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए, फ्रांस और स्पेशल जर्मनी के लिए, क्योंकि उस शहर के अंदर में क्या होता है, खनिज जो संपदा होती है, जो खनिज संपदा कहने का मतलब वहां पे तेल के भंडार कह लो या फिर प्राकृतिक संसाधन कह लो, बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थी, और सभी कंट्री चाहती थी कि अगर ये चीज मुझे मिल गई तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, मतलब मेरे लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है, मैं मतलब अमीर हो जाऊंगा, इस तरह की चीजें थी, जिसके कारण से वो युद्ध की शुरुआत करने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये तो दो पॉइंट, ये फ्रांस के निकट में ही दो द्वीप थे, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी दोनों सटे हुए देश हैं, जैसे हमारा श्रीलंका और भारत है, ठीक है, उसी तरह से द्वीप है, वो दोनों छोटे छोटे द्वीप है, मतलब श्रीलंका और भारत जिस तरह है ना, उसी तरह फ्रांस और जर्मनी है, उतनी ही दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है, और उन्हीं के बीच में ये स्टेट आते थे, मतलब दो जगह आते थे, लॉरेंस और अलास्का, ठीक है, जिसके लिए ये दोनों लड़ रहे थे। और क्या होता था इन दोनों के अंदर में, फ्रांस और जर्मनी में जो जिसका शासक ज्यादा पावरफुल होता था उसको वो कवर कर लेता था कि ये मेरा है आज से, ठीक है, जिसका शासक ज्यादा पावरफुल उस पर उसका कब्जा होता था। तो ये सारा चीज चल रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो ये विस्मार्क था, विस्मार्क ना हथियार को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, हथियारों को लेकर उसने हथियारों की होड़ शुरू कर दी, ठीक है, और उसने बहुत सारे वेपन बनाए, ठीक है। और वेपन बनाने लगा तो जो उसकी आसपास की कंट्रियां थी उसको लगता है कि यार अगर ये वेपन बना रहा है तो कल होकर हमारे ऊपर हमला भी कर सकता है,
जिसके कारण से वो क्या करता है कि वो बाकी जो कंट्रीज होती हैं वो भी वेपन बनाना शुरू कर देती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीजन ये भी रहता है कि लोगों का हथियारों की होड़ करना, ठीक है, हथियार बनाना, ये भी एक रीजन के तौर पे देखा गया। समझ में आता है दोस्तों? हाँ, अगले पॉइंट की ओर जाएं तो देखो, यहाँ पे वेपन बना रहे तो वेपन चलाने वाला भी कोई चाहिए, ठीक है। अब मैं बनाकर मैं खुद तो चलाऊंगा नहीं, तो लोगों को भर्ती करेंगे हम सेना में। तो जब जो जर्मनी था उस समय, जर्मनी की ऑलमोस्ट अकेले अकेले की सेना की अगर देखोगे तो वहां पे 9,90,000 सैनिक उस जर्मनी के पास थे टोटल उस टाइम पे, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 9,90,000, जबकि जापान उसके पास, फ्रांस के पास और इंग्लैंड के पास 1-1 लाख करीब में सैनिक थे, ठीक है। फ्रांस के पास टोटल 60,000 के करीब में सैनिक थे। वो फिर बाद में जब उसको लगा कि यार ये सामने वाले के पास 9 लाख सैनिक है और मेरे पास सिर्फ 60,000 सैनिक है, तो उसने बनाना शुरू किया और 3 लाख के करीब में सैनिक उसने भर्ती किए, ठीक है। तो इस तरह से ये सैनिक बढ़ा रहे थे जिसके कारण से भी युद्ध होता है। ये वाला पॉइंट समझ में आता है? ओके, आगे अगर आप बात करोगे दोस्तों तो यहाँ पे साम्राज्यवाद का भी एक पॉइंट बनता है इसके अंदर में। साम्राज्यवाद होता क्या, पहले ये समझ लो। साम्राज्यवाद मतलब जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, ठीक है, हमें बंदी बनाया, हमें गुलाम बनाया ब्रिटेन ने, ठीक है, जिसके तहत हम 200 सालों तक ब्रिटेन के कब्जे में रहे, गुलामी में रहे, ठीक है। उसी तरह से क्या हुआ, बाकी कंट्री भी अपने अपने गुलाम बनाना चाहते थे, जिसमें सबसे आगे था इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। अब इंग्लैंड और फ्रांस ने ऑलमोस्ट पूरे विश्व को गुलाम बना चुका था, कुछ कुछ कंट्री बची हुई थी। अब ये फ्रांस भी, जर्मनी भी चाहता था कि मैं भी गुलाम बनूं, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस पहले से लोग देशों को गुलाम बना चुके थे, जैसे इंडिया भी एक गुलाम था, ठीक है, 200 सालों तक हम गुलामी किया उनके, इंग्लैंड के। अब जर्मनी चाहता था कि वो भी गुलाम बनाए, तो इसके बीच में तीनों आपस में टकरा रहे थे, ठीक है, तीनों आपस में टकरा रहे, जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ये वाला पॉइंट समझ में आता है? ओके, आगे देखते हैं। तो यूरोप का ना दो गुटों में बंटना भी ये बहुत बड़ा रीजन रहता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, ठीक है। यूरोप का दो गुटों में बंटना, ये वाला पॉइंट आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूज करोगे और यहाँ पे भी यूज करोगे। जो बहुत ज्यादातर जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काम आएंगे और यहाँ पे भी काम आएंगे, क्योंकि दोनों जगह सेम ही ऑलमोस्ट चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है यूरोप का दो गुटों में बंटना। अब दो गुटों में कैसे बंटता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि जर्मनी ने क्या किया, सभी से संधि कर लिया कि भाई ये आज से तुम मेरे साथ हो, ये मेरे साथ रहेगा, वो मेरे साथ रहेगा, ऐसा कर करके संधि कर लिया उसने। अब संधि करने का कारण क्या हुआ कि जो दो पार्टों में बट गया, और संधि में पता है क्या होता था कि अगर मेरे ऊपर युद्ध हमला होता है तो तुम्हारे ऊपर भी हमला माना जाएगा, तुम भी मेरी तरफ से हमला करोगे। अगर किसी भी, मतलब पूरे, अगर मान लो 5 देशों से मैंने संधि करी, 5 में से अगर किसी भी देश से लड़ाई होता है तो हम चारों बंदे जाकर उसको मारेंगे, ठीक है। जैसे आज के समय में होता है ना, लड़के बोलते हैं कि यार लड़ाई होता है तो बंदे बुला के लाते हैं, तो सेम इसी तरह से किसी एक के ऊपर हमला होता है तो सारे बुला के ले जाएंगे। तो ये रीजन है, समझ में आता है ये वाला पॉइंट? देखो मैं नॉर्मली ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके आम लैंग्वेज में समझाऊँ, बोलचाल की लैंग्वेज में, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। अगर बुक इस लैंग्वेज की होगा तो बुक इस लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बुक में वो लिखा हुआ है, आप बुक पे घर पे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घंटा आप क्यों वेस्ट करोगे, ठीक है। इनकी घरेलू नीतियां भी थी ना, ये भी थोड़ी सी जिम्मेदार रहती है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। घरेलू नीतियां किस तरह से, क्योंकि जो इनके घर के अंदर में जो माहौल बना हुआ था, जैसे आप ये भड़काऊ भाषण दिया करते थे, आप अगर भड़काऊ भाषण दोगे तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे, भड़केंगे, दंगा होगा, ठीक है। जैसे आप याद करोगे तो दिल्ली के अंदर में भी पीछे दंगे हुए थे, ठीक है, अभी दिल्ली के अंदर में दंगे हुए थे, ठीक है, तो उस दंगे का नाम क्या दिया गया कि हिंदू मुस्लिम दंगे हैं। तो वो होने का रीजन क्या रहा, भड़काऊ भाषण ही माना गया एक तरह से, कि जो भड़काऊ भाषण लोग दे रहे थे, जो भी पॉलिटिकल लीडर थे जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, इसके कारण से दंगे हुए, ठीक है। तो ये जो भी कंट्रीज थी इनके अंदर में अपने लोगों को जोश से भरने के लिए वो भड़काऊ भाषण देना शुरू करते हैं, ठीक है, जिसके कारण से यही युद्ध होता है फर्स्ट वर्ल्ड। समझ में आता है? घरेलू नीतियां भी जिम्मेदार मानी जाएंगी, ठीक है। अगर उसके बाद अगर बात करोगे तो समाचार पत्र भी इसके अंदर में बहुत ज्यादा मायने रख करते हैं। समाचार पत्र किस तरह से दोस्तों, जैसे जो भी समाचार पत्र थे, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर वहां पे छपते थे या फिर जो भी न्यूज एजेंसी थी, वो इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह के न्यूज छापा करते थे जिससे लोग भड़क जाते थे। अभी आज के समय में अगर आप टीवी देख लो तो आपको लगेगा यार कोरोना वायरस इतना बड़ा महामारी है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, मर जाओगे। रियली मैं अगर 2 दिन पहले की बताऊं तो मैं टीवी देखा तो मुझे लगा यार घर से निकलना बेकार है, मैं मरमरा जाऊंगा घर से बाहर, तो ठीक है भूकंप आ रहा हो या पता नहीं क्या ऐसा लग रहा था। बट अगर आप घर से बाहर निकल गए, टीवी आप देख के नहीं आए हो घर से, तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मल लाइफ में जीरो, कोरोना तो आया ही नहीं कभी दिल्ली में या फिर इंडिया में, ठीक है। रियली मैं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। तो सेम यहाँ पे न्यूज पेपर का ऐसा ही कुछ काम हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, कि
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो भी न्यूज़पेपर वाले थे, वो मतलब न्यूज़पेपर वाले नहीं, न्यूज़ एजेंसी जो भी थी, वो इस तरह की चीजें पब्लिश कर रही थी कि जिससे लोगों के मन में भड़काऊ, मतलब एक एग्रेसिवपन आ गया था कि भाई अब नहीं, आज नहीं कल ही मारना है उन्होंने, कल का वेट क्यों करना, अभी चलते हैं लड़ाई करते हैं। ठीक है, सारी चीजें होती है, समझ में आता है दोस्तों? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये? ओके ठीक है, अगर आगे बात करोगे तो नॉर्मली कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं, बेसिक्स पॉइंट जो हम इसके अंदर में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें देखोगे तो और भी पॉइंट हो जाएंगे, जैसे इंग्लैंड का द्विपक्षीय व्यवहार भी आ जाता है, क्योंकि इंग्लैंड ने क्या किया था, इंग्लैंड का जो शासक था वो शुरुआत में चाहता था कि वो साथ ना दे किसी का, ठीक है, वो अलग रहना चाहता था, तटस्थता की नीति अपना रहा था। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला तटस्थता, इसका मतलब क्या होता है कि दूर से खड़े होकर देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दूर से देखना, ठीक है, आप उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना। अगर मान लो दो लोग लड़ रहे हैं तो उसमें बीच में छुड़ाने की बजाय हम दूर से खड़े होकर देखते हैं, नॉर्मली आज का हमारा बिहेवियर है, नेचर है आज का बन चुका है कि अगर कोई लड़ रहा है तो हम सोचते हैं यार क्या डिस्टर्ब करने जाओ, बिना फालतू में हमारा नाम आ जाएगा, हम भी फंस जाएंगे। तो सेम उस समय इंग्लैंड और अमेरिका, यस, वो यही सोचते हैं कि अगर मान लो मैं जाऊंगा बचाने के लिए, कहीं मैं भी फंस जाऊं, मुझे ही पकड़ के पीटे, कोई भरोसा थोड़ा ना है, तो इस कारण से हम जाते नहीं है। सेम वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंग्लैंड और अमेरिका ने भी यही किया, इंग्लैंड और अमेरिका ने भी यही किया, जिसके कारण से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। अमेरिका ने क्या किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका 1917 में पार्टिसिपेट करता है, जबकि 4 साल युद्ध चलता है, 52 सप्ताह, 52 वीक्स चलता है युद्ध, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, दोस्तों यस यस, पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में, ऐसे तो अभी 20 मिनट ही हुआ है, 26 मिनट हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में मुझे। अच्छा, ये लेसन समझ में आया, जितना भी होता है हम ट्राई करते हैं यार, बेस्ट करते हैं, अगर इस तरह से अगर अच्छा लगेगा, अगर समझ में आ रहा होगा आपको, तो मैं ट्राई करूंगा कि रोज आपको मैं दे पाऊँ डेली बेसिस पे, जिससे आपका एटलीस्ट एग्जाम तक आप, यस बोलिए। ये वारसा संधि 1919 में मानी जाती है, ठीक है, 1918 1919 में मानी जाती है, क्योंकि और इस वारसा संधि को करने का रीजन ये था कि जर्मनी के ऊपर दबाव बना, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे घर में भी क्या होता है कि जब हम लड़ाई करते हैं, दो भाई बहन लड़ाई करते हैं, तो मम्मी पापा आते हैं ना, सजा देते हैं कि यार तुम्हें ये चीजें, ठीक है, तो सेम सजा देने के लिए वर्षा संधि की गई थी, नाम सिर्फ था कि संधि है, शांति वार्ता के नाम से इसको रखा गया था, पेरिस शांति समझौता भी इसे कहते हैं, ठीक है, नाम सिर्फ नाम के लिए सिर्फ ये पेरिस शांति समझौता था, पर इसके अंदर में सिर्फ जुर्माना लगाया गया था जर्मनी के ऊपर में, ठीक है, बिस्मार्क को जबरदस्ती ट्रेन में लेकर आया गया था, ठीक है, और फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर में लाकर उसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे कि आज से तुम सैनिक नहीं बनाओगे, हथियार नहीं करोगे, ठीक है, किसी से व्यापार नहीं करोगे, किसी को आप गुलाम नहीं बनाओगे, ठीक है, अपना स्वतंत्र शासन नहीं होगा, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, दो पार्टों में बांट देते हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखोगे आप, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरुआत होगा ना जर्मनी का, जब हिटलर आएगा, तो हिटलर के कारण वो दो पार्टों में इसको बांट देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आता है आप सबको? इसके अंदर मैं नॉर्मली हमें कारण बताना, रीजन बताना है कि रीजन क्या होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरुआत होने के, तो रीजन मैंने एटलीस्ट आपको 7-8 बताए हैं, ठीक है, और एक बार अगर आप अपनी बुक भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं सारे पॉइंट्स आपके बुक के ही हैं, कोई अलग बाहर से नहीं बताए हैं, ठीक है, आपको बस समझ में आ जाएगा इस तरह से मैंने बताया है, ठीक है। अगर दोस्तों आप सेकंड चैप्टर की ओर जाओगे, जो सेकंड चैप्टर चैप्टर है आपका यूरोप और विश्व के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान परिणाम, जो मतलब प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या निकला, दौर के परिणाम पूछता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या था, परिणाम क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है ये वाला भी। इसके अंदर में जैसे मान लो हम लड़ाई कर लेते हैं, भाई बहन लड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद भाई नुकसान क्या हुआ उसके बारे में हम काउंटिंग करते हैं, अच्छा ये टूट गया, अच्छा वो उसका सर फूट गया, जो चीजें होती है, तो यहाँ पे जस्ट वो रिकाउंसल कर रहे हैं कि भाई रिकाउंटिंग कर रहे हैं कि क्या क्या चीज का नुकसान हुआ, क्या चीज का नुकसान नहीं हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या होता है, तो सबसे पहले अगर रीजन देखोगे ना, तो जो तानाशाह वाले शासक होते हैं, जैसे आप तानाशाह की बात करोगे तो जर्मनी का शासक होता है बिस्मार्क, इसका अंत हो जाता है, बिस्मार्क खत्म हो जाता है, ठीक है, बिस्मार्क की अंत होता है वहां पे, ठीक है, पेरिस शांति समझौता की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उससे पहले कभी भी शांति समझौता नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे, पेरिस शांति समझौता एक तरह से पहला इंटरनेशनल समझौता माना जाता है, ठीक है, बिस्मार्क की जो बिस्मार्क वर्साई की संधि आ जाती है, ठीक है, और जो भी गठबंधन बनाए गए थे, जो भी संधियां बनाई गई थी, उसका अंत हो जाता है, ये सारे परिणाम के तौर पे देखते हैं। हथियारों की होड़ पर रोक लग जाती है, पर रोक नहीं लगती है, वो बढ़ जाता है और ज्यादा, जो छोटे छोटे देश थे उनके लिए रोक लगा दी जाती है, पर जो बड़े देश थे वो अपनी सुरक्षा को लेकर और बढ़ाना शुरू कर देते हैं, हथियारों की होड़ की लग जाती है।
अब लोगों को लगता है एक बार युद्ध हो चुका है, दोबारा अगर युद्ध हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उसके कारण से क्या करते हैं, हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये परिणाम में आता है जिसमें वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हथियार बनाना लेकर सैनिक की बढ़ोतरी करना, ये सारा पॉइंट आ जाता है। जो आपने कारण में बताया कि ये चीज कर रहे, तो सेम यहाँ पे परिणाम में भी हम दिखाएंगे। परिणाम में यहाँ पे ये भी दिखाएंगे कि जो अर्थव्यवस्था थी, उनकी इकोनॉमी थी, वो बहुत ज्यादा नुकसान होती है। अब लड़ाई होगा तो फायदा तो होगा नहीं, उससे नुकसान ही नुकसान होगा। कुछ देशों को फायदा भी हुआ, जैसे आप अमेरिका की बात करोगे, जितना उसके सैनिक मरे उससे ज्यादा उसने जर्मनी से उसने वो फायदा लिया, ठीक है। और कई सारे देश जो थे ना, वो युद्ध इसलिए लड़ रहे थे कि अगर वो जीत गया तो दूसरे बगल वाले देश के क्या करेंगे, चीजों को हथिया लेंगे, ठीक है, उस पर कब्जा कर लेंगे। तो फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इनका मेन मोटिव यही था कि अगर जर्मनी हार गया तो हम जर्मनी के जो भी संसाधन है उस पर कब्जा कर लेंगे। और जर्मनी उस समय इतना पावरफुल था कि अगर अकेले अकेले लड़ते कोई भी, अगर अमेरिका अकेले आता या रूस अकेले आता तो सबको हरा सकता था, इतना पावरफुल था वो। किसी भी कंट्री के पास उस समय एयरफोर्स नहीं थी, ठीक है, नेवी नहीं थी, पर उसके पास एयरफोर्स भी था, नेवी भी था। इवन वो परमाणु मिसाइल के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरुआत करता है, जबकि किसी के पास परमाणु मिसाइल्स नहीं थे, ठीक है, वो उसका मिशन चलने लग जाता है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री था उस टाइम पे जर्मनी, ठीक है। और अभी भी अगर आप बात करोगे आज के करंट टाइम में 2020 के अंदर में भी, तो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा आईटी, मतलब आईटी हब बोला जाता है जर्मनी को, कि अगर आपको किसी भी तरह का आईटी प्रोडक्ट चाहिए, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, वो जर्मनी में मिलता ही मिलता है, आईटी हब के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ज्यादा डेवलप, विकसित और मान लो बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री के तौर पर देखा जाता है। अभी तो फिर भी उसकी इज्जत कम हो चुकी है, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा उसकी पावरफुल, मतलब एक इमेज थी। समझ में आता है दोस्तों? अगर आप इसके परिणाम देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यूरोप दो गुटों में बट गया, तो यहाँ पे भी यही रीजन आता डाल सकते हैं कि यूरोप दो गुटों में बटता है, ठीक है, नए नए देशों का उदय होता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खत्म होने के बाद क्या होता है, कई सारे जो देश बड़े बड़े देश थे वो टुकड़ों में बट जाते हैं, तो नए नए देशों का उदय होता है, ठीक है। यहाँ पे दो नए विचारधारा का उदय भी होता है, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या रूसी क्रांति की शुरुआत क्या हुई थी? इसका अगला लेसन यही होने वाला है, तो कोई एक मुझे फटाक से आंसर दे दो यार, फटाफट, की रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, रूसी क्रांति की शुरुआत तो 1917 में हुई दोस्तों, पूंजीवादी की शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि दोनों विचारधारा आसपास में ही आई, तो पूंजीवादी की शुरुआत कब हुई, ये कुछ आइडिया किसी को? अच्छा, मतलब छोड़ो, इसको छोड़ो, मतलब बताओ, साम्यवाद का मतलब क्या होता है? जो जो साम्यवादी की शुरुआत हुई 1917 में, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है? क्योंकि ये विचारधारा को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, प्लीज फटाफट यार आंसर दो मुझे एक बार। यस यस, बिल्कुल सही। देखो, साम्यवाद का नॉर्मल अर्थ ये होता है ना कि जो भी चीजें होती है वहां पे निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है। निजी संपत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे आज के समय में मुकेश अंबानी है, उसका अपना पर्सनल गाड़ी है भाई, अपनी पर्सनल बाइक है, कार है, सब कुछ है, अपनी पर्सनल बिजनेस है। हम उसे बोल नहीं सकते कि भाई मैं भी इस कार में बैठूंगा, क्यों? क्योंकि वो उसका है। पर अगर आप डीटीसी बस में जाते हो, जो बाहर डीटीसी बस चल रही है दिल्ली में, जो केजरीवाल सरकार ने चला रखी है इतनी सारी बस फ्री में, ठीक है, वुमेन्स के लिए स्पेशली, या फिर इवन सबके लिए जो भी है, तो वो डीटीसी बस में अगर आप जाओगे तो कोई घुसने से मना नहीं कर सकता, भी मना भी कर सकता है क्योंकि 20 जनों के लिए बाउंडेशन है। पर अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, गवर्नमेंट बस में चढ़ते हो, तो वहां पे मना नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे हम भी टैक्स भरते हैं, वो हमारा भी उतना ही है। समझ में आ रहा है? तो जो भी चीजें होती है ना साम्यवाद में, क्या होता है कि निजी संपत्ति को हटा दिया जाता है, वहां पे सारी संपत्ति इक्वल होती है, सभी की होती है, जो मेरी है वो आपकी भी है, ठीक है, जिस गाड़ी में मैं चल रहा हूँ उस गाड़ी में आप भी चल रह सकते हो, सारा इक्वल हो जाता है, वहां पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और वहां पे खेती जो होती है ना, कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है, समाज को ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है, समाज के हर एक व्यक्ति को इंपोर्टेंस दी जाती है। पर जबकि पूंजीवादी में क्या होता है, सिर्फ उद्योगपति, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मैन होते हैं, ठीक है, जिनका खुद का निजी संपत्ति है, उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। समझ में आ रहा है? इसका परिणाम देखोगे, सॉरी दोबारा बोलना ब्रदर, पूंजीवाद का उदय माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही दिखाया जाता है कि अलग अलग विचारकों ने इसकी विचारधारा दी थी, ठीक है। जब अमेरिका मतलब गुलामी से आजाद हुआ था 1800 कुछ के, 1800 के तहत, ठीक है, ब्रिटेन से जब उसने आजाद हुआ था, पहली बात तो गुलाम बना ही नहीं था, क्योंकि
अमेरिका की भी जो बोली थी वहां के जो लोग थे वो सेम कलर और सेम बिहेवियर के थे, ठीक है, ब्रिटेन के भी सेम थे, तो उनको फील ही नहीं हुआ कभी कि हम गुलाम बने, ठीक है। पर अमेरिका भी 100 सालों तक गुलाम रहा, उसके बाद ही जो वहां के विचारक आए, ठीक है। अब आगे आप पॉलिटिकल वाली अगर बुक का मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे यथार्थवाद पढ़ोगे आप, ठीक है, तो उसके अंदर ही ना यथार्थवाद के जो विचारक थे उन्होंने ये सपोर्ट किया कि अगर हम पूंजीवादी की शुरुआत करते, पूंजीवादी एक विचारधारा लाते हैं जिससे हम ग्रो जल्दी कर पाए, और ग्रो करने का रीजन क्या होता है पूंजीवाद में कि सभी को अवसर दिया जाता है कि आप बिजनेस करो और बिजनेस के तौर में मोटिवेट किया जाता है। और नॉर्मली साम्यवाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, भाई गवर्नमेंट जॉब करो, इसके ऊपर मोटिवेट किया जाता है, तो ये इसके कारण से पूंजीवाद ज्यादा तरक्की करती है। समझ में आता है, ठीक है। यस यस, मैं खुद सोच रहा हूँ कि आपका पॉलिटिकल का भी स्टार्ट करूँ, और रीजन ये दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं इस तरह से पढ़ाने का, ठीक है। नॉर्मल अगर आप क्लास पे मतलब जो घर पे मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे तो मैं ऑल टाइम पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता, पर यहाँ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई करूंगा मैं जरूर लेने की। और दूसरे दोस्तों, ये जो आपकी वीडियो क्लास लेने का मेन रीजन ये है कि इस बार जो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो क्लास ले नहीं पाए थे, और बहुत सारे वीडियो में मेरी भी वीडियो में कमी है जहाँ पे बच्चे समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी कमी को दूर कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। आप जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप बेझिझक वहाँ पे पुटअप कीजिए अपना क्वेश्चन, ठीक है। जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो अभी मैं सेकंड चैप्टर समझा रहा था, तो वहाँ पे अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो वो भी जरूर पूछिए, ठीक है। सेकंड चैप्टर का जो क्वेश्चन था मेनली यहाँ पे ये बनता है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब परिणाम क्या निकला, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और आ जाएंगे। साम्यवाद का उदय, ठीक है, पूंजीवाद का उदय, रूस का मतलब पावरफुल एक शक्ति के रूप में उभरना, ये सारा चीज आ जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब रूस को ना बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि रूस को क्या होता है 1917 में उसकी घरेलू युद्ध शुरू हो जाता है रूस के अंदर में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल ही रहा होता है ना, तो रूस के अंदर में घरेलू क्रांति शुरुआत हो जाती है, जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, रूस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और रूस युद्ध में सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो बहुत ज्यादा क्षति होती है उसे। उसके बाद वो साम्यवाद की शुरुआत करता है और बहुत बड़े पावरफुल मतलब कंट्री के तौर पर उभरता है रूस, ठीक है, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक वो रूस करके कोई कंट्री नहीं थी, वहां पे सिर्फ सोवियत संघ था, ठीक है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो वहां पे रूस ना दिखाकर आप सोवियत संघ दिखाओगे, क्योंकि रूस था ही नहीं कहीं पे, सिर्फ सोवियत संघ था, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अगर यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मली मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, अब यहाँ पे परिणाम देखोगे तो तीन तरह से हम परिणाम को दिखाएंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स तो पहले बता दिया, परिणामों की अगर हम बात करें तो तीन तरीके से परिणाम हम दिखाएंगे। तीन तरीके से कौन कौन से होंगे, तो राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम, ठीक है, क्योंकि हर चीज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तीनों जगह पड़ता है। अगर हम युद्ध करें तो उसका राजनीतिक तौर पे भी पड़ेगा उसका इफेक्ट, कैसे राजनीतिक तौर पे, कैसे, अगर मान लो जर्मनी और फ्रांस ने युद्ध किया तो जो बाकी कंट्री है जिनसे उन्होंने संधि किया है, तो उनकी संधि पे असर पड़ेगा, वो टूट जाएगी संधि, या फिर कुछ और प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उन्हें, है ना, तो ये राजनीतिक परिणाम में आ जाता है। कई सारी संधियां टूटेगी, कई सारी संधियां होंगी, तो ये सारा राजनीतिक परिणाम होगा। अभी अगर इंडिया का एग्जाम्पल लेके चले तो इंडिया नेपाल का विवाद चल रहा है, भूमि विवाद चल रहा है काली रिवर का, आपने देखा होगा अगर न्यूज देखते होगे तो, जमीन को लेकर, बॉर्डर को लेकर वो विवाद चल रहा है, इंडिया का, चीन का और नेपाल का, तीनों का आपस में ही चल रहा है, ठीक है, जिसमें इंडिया नेपाल अलग है और चीन और भारत अलग है, ठीक है, ये दो अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। तब उसको लेकर वो चाहता है कि अगर मान लो उस पर युद्ध करते हैं या कुछ और होता है तो दूसरी कंट्री इंटरफेयर ना करे, दूसरी कंट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, ठीक है। अगर मान लो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप खराब होते हैं तो अब चीन उसका फायदा उठाएगा, चीन फायदा उठाकर नेपाल में एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो ये तीसरे के ऊपर इम्पैक्ट करता है, तो ये राजनीतिक इम्पैक्ट हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट हम जिसे बात करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी पॉलिटिकल इम्पैक्ट इस तरह से देखने के लिए मिलता है, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। अगर आप आर्थिक इम्पैक्ट की बात करो कि इकोनॉमिकली किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा था, तो अब अगर युद्ध करेंगे यार तो युद्ध करने में नुकसान तो होगा ही होगा, मेरे हमारे यहाँ के भी सैनिक मरेंगे, उनके यहाँ के भी सैनिक मरेंगे, ठीक है, दूसरे देशों के भी सैनिक मरेंगे, तो इस तरीके से जो सैनिकों का नुकसान हो रहा था ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान देखा गया, ठीक है, आर्थिक तौर पर। और उनकी जो अभी जैसे कोरोना वायरस के कारण हमारे क्या देश के अंदर में बहुत ज्यादा जीडीपी गिरी है, हमारी जीडीपी को नुकसान हुआ है, उसी तरीके से वहां पे भी जीडीपी में उनका नुकसान हुआ और उनकी अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है, सारी चीजें वहां पे देखने के लिए मिली। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ आपको,
सुन रहे हो आप सभी? तो एक ट्रिक बताता हूँ मैं, कि जैसे अगर आप लिख रहे हो इस क्वेश्चन को, लिख रहे हो ठीक है, और आप भूल गए कि यार पॉइंट कौन सा डालू, ठीक है, तो अक्सर होता है हम पॉइंट भूल जाते हैं यार पॉइंट क्या डालू, तो राजनीतिक पॉइंट में आप क्या डालोगे, जो भी आपको लगता है पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इशू मतलब ये नहीं कि आप भारत और चीन डाल दो, मतलब वहां पे लगे कि अगर हम किसी से लड़ाई करते हैं तो पॉलिटिकली तौर पर क्या क्या चीजें इंपैक्ट होंगी, ठीक है, वो लगता है तो सारा पॉइंट ऐड कर सकते हो। किस तरह के पॉइंट? पहला कि संधियां जो हम अलग अलग कंट्री से संधियां कर रहे हैं वो टूटेगा, टूट जाएगा, ठीक है, जो भी हम संधि कर रहे हैं किसी से वो टूटेगा। दूसरी चीज क्या होगा कि अगर मान लो संधि तो हम कर रहे हैं वो तो इम्पैक्ट करेगा ही, जो हमारा उससे रिलेशनशिप है वो भी वो हर्ट होगा। अगर मान लो मेरा किसी से रिलेशन बना रखा है, हमने किसी कंट्री से रिलेशन बना रखा है, ठीक है, अब वो भी नुकसान होगा युद्ध के कारण, तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। और पॉइंट क्या कर सकते हो, व्यापार को नुकसान होगा, ये हमारा आर्थिक वाले में चला जाएगा, व्यापार वाला जो है पॉइंट आर्थिक वाले में हम डाल सकते हैं। आर्थिक वाले की अगर बात करोगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कम गिर नुकसान होगा, व्यापार को नुकसान होगा, ठीक है, जो इंडस्ट्री होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। अगर मान लो हम चीन से फोन और बहुत सारी चीजें मंगवाते हैं, अगर चीन से युद्ध करेंगे तो सारी चीज पे तो पाबंदी लग जाएगी, तो इस तरह से नुकसान होगा हमारा व्यापार का, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था भी नीचे गिरेगी, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। अगर सांस्कृतिक की बात करोगे कि सांस्कृतिक और सामाजिक में क्या करोगे, तो वहां पे भाई जान माल की हानि हुई, ठीक है, लोगों की सांस्कृतिक और उसको नुकसान हुआ। पहले क्या होता था कि औरतों को वहां पे टाइम वो मतलब युद्ध में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था, इवन घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, पूरे विश्व के अंदर में उनके पास राइट्स नहीं थे। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में क्या होता है, उन्हें राइट्स दिया जाता है पहली बार कि वो घर से बाहर जाकर फैक्ट्रियों में काम कर सके, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन उनके पास होता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो इस तरह से सारी चीजें चल रही होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है, तो ये यहाँ पे डाल सकते हो अपने आप भी। जैसे आप सब बस आपको अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं यहाँ पे आर्थिक परिणाम में और राजनीतिक परिणाम में, जिसके कारण से आप वो अच्छा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सके, अच्छा सा आंसर लिख सको आप, ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों? इसके बाद आपका जो शुरुआत होता है चैप्टर, अगर थर्ड चैप्टर की ओर जाओगे तो पेरिस शांति समझौता होता है, ठीक है, पेरिस शांति समझौता यहाँ पे मेन माना जाता है, ठीक है। पर पेरिस शांति समझौता से पहले अगर एक बार ना विश्लेषण करें, ठीक है, एनालाइज करें कि क्या क्या रीजन थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, तो सबसे बड़ा रीजन आता है बिस्मार्क की नीति, ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के उत्तरदायी कारण बताओ, कौन कौन से कारण, ऐसे कौन से इंपोर्टेंट कारण थे जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है बिस्मार्क की नीति। बिस्मार्क कौन था दोस्तों, अब ये मुझे बता दो फटाफट, मैंने अभी बताया 40 मिनट के अंदर में। दोस्तों माइक ऑन करो अपना फटाफट और मुझे बताओ बिस्मार्क कौन था, जैसे कि मैं बताया अभी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के उत्तरदायी कारण क्या है, तो बिस्मार्क की नीति मैंने बताया, तो बिस्मार्क कौन था ये मुझे बताओ। यस यस, जर्मनी का शासक था बिस्मार्क, ठीक है, जर्मनी का शासक था, और इसको एक तरह से तानाशाह के तौर पे देखा गया, निरंकुश शासकवाद के तौर पे देखा गया, ठीक है। इसकी जो नीति थी वो क्या थी, इसने गुप्त गुप्त संधि का नीति अपनाया, ठीक है। अब गुप्त संधि की नीति क्या होता है कि बिना बताए दूसरे देशों से संधि करना। अब जैसे भारत इसराइल जाता है, कहीं दूसरे कंट्री में जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो भी एग्रीमेंट साइन करते हैं हम सबको पब्लिश करते हैं न्यूज में कि भारत ने इसके साथ एग्रीमेंट किया। चीन पाकिस्तान से जो भी एग्रीमेंट करता है वो भी पब्लिश करता है। पर बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, जैसे आप बात करोगे किम जो उन, जो उत्तरी और साउथ कोरिया का जो मतलब वहां पे लीडर जो पड़ता है, उत्तरी और साउथ कोरिया का जो रिलेशनशिप है वो कई सारे ऐसी जगह देखने के लिए मिलेगा जिन्होंने आपस में संधि कर रखी है पर किसी कंट्री को पता नहीं है, ठीक है। अब जो किम जो उन है दक्षिणी उत्तरी कोरिया का शासक, उसने क्या किया है, चीन से संधि कर रखी है पर दूसरी कंट्री को आइडिया नहीं है उसके बारे में। साउथ कोरिया है, उसने अमेरिका से संधि कर रखी है पर उसको दूसरी कंट्रीज को आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो अगर कभी युद्ध होगा तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी के ऊपर इंपैक्ट करेगा, सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी एक रीजन बनता है। तो गुप्त संधि और बिस्मार्क की नीति, ये सबसे बड़ा रीजन के तौर पे देखा गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। तीसरा रीजन इसके अंदर मैं बता सकते हो कि इच्छाएं महत्वाकांक्षी, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट शुरुआत में वीडियो के कि जो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था वो महत्वाकांक्षी लीडर्स के कारण हुआ था, सभी जो नेता थे उनकी इच्छाएं बहुत थी, ठीक है। अगर ज्यादा मन में इच्छा होगी तो हमें नॉर्मल सी बात है, कई जगह हमें असंतोष झेलना पड़ता है, ठीक है, हमें फेस करना पड़ता है। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं BMW खरीदूँ, ठीक है, जैगवार खरीदूँ, ये सारी चीजें हैं, इच्छाएं तो कर ली, उसके लिए हमें पैसे भी चाहिए, पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे यार, अब चोरी करेंगे या फिर कुछ अदर वेज हम ट्राई करेंगे ढूंढने के लिए। तो उनके पास सेम इसी तरह से बहुत सारी इच्छाएं थी कि यार मैं सबसे ज्यादा पावरफुल,
पावरफुल बनने के लिए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्राई कर रहे थे, ठीक है, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे, पर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके ऊपर मतलब वर्क कर रहे थे, जिसके कारण से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, ये समझ में आता है दोस्तों, समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? यस, ये उत्तरदायी कारण हो जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सेकंड चैप्टर में टोटल दो क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें एक तो आ जाएगा आपका कि कारण परिणाम क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, जिसमें आप राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम बताओगे, और दूसरा आ जाता है इसके अंदर में उत्तरदायी कारण बताओ, ठीक है। आगे चैप्टर पे चलते हैं, थर्ड चैप्टर पे, जिसमें पेरिस शांति समझौता आता है 1919 और 20 का, ठीक है। पेरिस शांति समझौता अभी है क्या, सबसे पहले हम बात करें तो अब देखो दोस्तों, पहले हमने भाई संधियां करा, ठीक है, एक दूसरे देशों से हमने कंट्री से संधि कर ली, संधि करने के बाद क्या हुआ कि अब हमने युद्ध भी कर लिया, युद्ध करने के बाद जो नुकसान हुआ उसको एनालाइज भी कर लिया परिणाम के तौर पे कि युद्ध के ये परिणाम निकले। अब परिणाम निकलने के बाद उनको सजा भी देना कि भाई तेरी जिम्मेदारी थी, तेरे कारण से युद्ध हुआ। तो एक तरह से जो पेरिस शांति समझौता हुआ, इसे हम वर्साय की संधि के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वर्साय की संधि बताओ, तो भी आप पेरिस शांति समझौता समझाओगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेरिस शांति समझौता समझाओ, तो भी आप वर्साय की संधि समझाओगे, दोनों एक ही है, ठीक है, नाम अलग अलग है, दोनों एक ही, कैसे ये समझ लो आप। युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है कि जो भी कंट्रीज होती हैं, जो दो राष्ट्र में, पहली बात तो यूरोप पूरा बंटता है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो युद्ध हारता कौन है और जीतता कौन है, ये मुझे एक बार बता दो यार, क्लियर कर दो। युद्ध में विजय किसकी होती है और हार किसका होता है, धुरी राष्ट्र का, मित्र राष्ट्र का? फटाफट फटाफट करो, टाइम बीत रहा है आपका। दो नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही जैसे क्या होता है कि ये जब कंट्रीज बढ़ते हैं आपस में, जो संधियां होती हैं, तो उसके बाद जो गुट बन जाता है इनका, वहीं से ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सेकंड वर्ल्ड वॉर तक वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में ही रहते हैं, ठीक है, बीच में खत्म होता है, फिर दोबारा वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अब मुझे बताओ, फर्स्ट कौन जीता कौन नहीं? हाँ, तो यहाँ पे भी सेम वही है, मित्र राष्ट्र ही यहाँ पे भी युद्ध जीतते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी। दो देखो दोस्तों, अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप फटाफट बता दिया करो, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड है आपके पास भी और मेरे पास भी, मैं ट्राई करूँ कि जितना ज्यादा आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो ये बहुत, अगर कुछ नहीं आप पता है तो आप फटाफट बताओ। और देखो, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो मुझे भी नहीं पता है, और बहुत सारी चीजें हैं आपको भी नहीं पता है, ठीक है। तो अगर यार हमें अपनी कमियों पे गर्व करना चाहिए कि हमें पता नहीं, तो हमें ये पता है कि हमें ये नहीं पता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको क्या नहीं पता है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो खुश होना चाहिए कि आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं पता है, ठीक है। अब इसको पता नहीं को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दो ध्रुवों में बढ़ जाता है पूरा देश, जो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र कहलाता है, दो गुटों में। मित्र राष्ट्र फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी विजय होता है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी विजय होता है। मित्र राष्ट्र की अगर देशों की बात करोगे, तो यहाँ पे जापान, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका और रूस जैसे देश शामिल होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब शुरुआत करेंगे, तो वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे, नहीं जापान, आप जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने अभी बोला ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थोड़ा सा चेंज हो, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात होगा, तो जापान क्या होगा, वो धूरी में चला जाएगा। क्योंकि अब रीजन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रीजन ये होता है कि ना, ये जो आपसी देश होते हैं, तीन बड़े बड़े देश जो होते हैं, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया और अमेरिका हो गया, जब ये वर्साई की संधि करते हैं, पेरिस शांति समझौता करते हैं, और वो जो लूट का पैसा होता है, जैसे आप मान लो हम चार पांच बंदे हैं, हमने गए रॉबरी करने, बैंक लूटने गए, और हमने तीन बंदों ने लूट लिया, आपको दिया नहीं पैसे मान लो, तो यार आप क्या करोगे, अब हमारे साथ अगली बार थोड़ी ना जाओगे लूट करने के लिए। आप बोलोगे भाई मैं तुम्हारा गैंग छोड़ रहा हूँ, दूसरा गैंग ज्वाइन करूंगा, अगर वो जीत गए, अगर वो पैसा लूट कर लेकर आएंगे तो हमें भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जापान भी यही करता है, और इटली जो है, इटली को भी मतलब क्या होता है, शुरुआत में तो वो धूरी राष्ट्र के साथ ही रहता है, पर जब युद्ध खत्म होने वाला होता है तो समर्पण कर देता है, पहले ही हार मान जाता है कि भाई मैं हार गया, मैं सरेंडर करता हूँ, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र के साथ मिल जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दोनों टाइम यही करता है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मित्र राष्ट्र की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी विजय होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजय होती है, जो जापान होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धूरी राष्ट्र के साथ चला जाता है, क्योंकि रीजन ये होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है युद्ध से, ठीक है। युद्ध हुआ तो उसको जो लूट का सामान होता है ना, जैसे अब आपस में बांटेंगे यहाँ पे पेरिस शांति समझौता में, वर्साय की संधि में, तो जापान को नहीं मिलता है वो सारी चीजें, जिसके कारण से वो दूसरी तरफ चला जाता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों, एक बार बता दो यार फटाफट। हाँ, तो यहाँ पे आगे देखते हैं, वर्साई की संधि का अगर डेट देखोगे तो 28 जून 1919 को होता है वर्साई की संधि। इसके अंदर में डेट आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, आप बस इतना याद रखोगे 1919 से 1920 के बीच में वर्साई संधि हुई थी, पेरिस शांति समझौता हुआ था। ठीक है, अब ये पेरिस शांति समझौता होता क्या है अब ये बताता हूँ। तो वुड्रो विल्सन नाम के एक विचारक होते हैं, ठीक है, वुड्रो विल्सन जो इंग्लैंड के राष्ट्रपति के तौर पे भी देखे गए हैं, ठीक है, वुड्रो विल्सन, ठीक है, वुड्रो विल्सन की ये मतलब विचारधारा होती है कि भाई ये वर्साई की संधि, पेरिस शांति समझौता होना चाहिए। ठीक है, वुड्रो विल्सन जो होते हैं इनकी आइडिया होता है कि भाई एक नाम समझौता करते हैं पेरिस शांति समझौता के नाम से, और उसको जर्मनी को बुलाते हैं, उसको फिर सजा देंगे, ऐसा करके उनका आइडिया होता है। तो वुड्रो विल्सन ने ये मतलब पूरा आइडिया देते हैं, जिसमें जापान मतलब टोटल 27 कंट्री शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, टोटल 27 कंट्री को बुलाया जाता है, 27 कंट्री को बुलाकर फिर जर्मनी को बुलाया जाता है, और उसको जर्मनी को मतलब वो साइन करवाया जाता है जबरदस्ती। पहले शांति समझौता इसलिए कहा गया था इसको क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद इटली ने समर्पण कर दिया था। ठीक है, इटली ने समर्पण कर दिया तो, और जर्मनी भी हार चुका था, वो हार मान चुका था, तो उनको लगा कि अब शांति हो चुका है भाई, सब में आपस में हो चुका है, तो अब शांति की बात करते हैं कि क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, रिकैलकुलेट करते हैं कि कितना नुकसान हुआ। अब रिकैलकुलेट करने के बाद क्या होता है कि उनको लगता है यार बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, अब क्या करें। तो जर्मनी को बुला के लाया जाता है ट्रेन के अंदर में, ठीक है, वो ट्रेन डायरेक्ट जो होती है ना आपके बर्लिन से चलकर पेरिस आती है, डायरेक्ट बर्लिन टू पेरिस, ठीक है, पेरिस आती है, और वहां पे उसको जर्मनी के शासक को उतारा जाता है, उसे साइन करवाया जाता है, और उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती है कि आप युद्ध नहीं कर सकते, ठीक है, स्वतंत्र नहीं रह सकते, हथियार नहीं बना सकते, सैनिक अपने निर्माण नहीं कर सकते, आप हमारे अधीन रहोगे, आपके ऊपर पूरी तरह से हमारी कब्जा रहेगा, आपकी इकोनॉमिक पे हमारी कब्जा रहेगा, इस तरह से बहुत सारी पाबंदी लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आता है? तो यही पूरा वर्साई की संधि होता है रीजन। अगर इसका इम्पैक्ट पूछा जाएगा ना कि वर्साई की संधि का प्रभाव क्या होता है या परिणाम क्या निकला, तो इसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकलता है वर्साई की संधि का कि लोगों के अधिकारों का हनन होता है, जो अगर किसी भी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो लोग जो वहां पे रहने वाले उनके राइट्स दबेंगे दबेंगे, तो उनके लोगों के अधिकारों का हनन होता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों कि जो ये पेरिस शांति समझौता हुआ इसके कारण से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था जर्मनी की बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, और जर्मनी का वहां पे हिटलर का उदय होता है। ठीक है, सब अगर पेरिस शांति समझौता होता नहीं तो कभी हिटलर आता ही नहीं, पेरिस शांति समझौता हुआ जिसके कारण से हिटलर का जन्म होता है, और हिटलर के जन्म के बाद ही मतलब हिटलर बाहर आता है सबके सामने, और हिटलर के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, हिटलर के बारे में आप सबने सुना ही होगा दोस्तों। अच्छा, हिटलर किस पार्टी से बिलोंग करता था ये मुझे अब एक बार ना बता दो यार, हिटलर किस पार्टी से बिलोंग करता था, किसी को आइडिया है क्या, किस हिटलर कौन सी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था? जैसे हम कहते हैं ना नरेंद्र मोदी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो हिटलर जो था वो किस पार्टी से बिलोंग करता था, उसकी विचारधारा क्या थी, उसकी विचारधारा को हम क्या कहते हैं? नहीं पता हो तो फटाफट बताना, पता हो तो फटाफट बताना। चलो मैं बताता हूँ, नाजीवाद, ठीक है, नाजीवाद कहलाता है, उसकी विचारधारा नाजीवाद कहलाती है। ठीक है, तो हिटलर का यहाँ पे नाजीवाद विचारधारा देता है, जिसके अंदर वो नाजी मतलब एक विचारधारा कॉन्सेप्ट लेकर आता है लोगों के सामने कि ऐसे ऐसी विचारधारा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो नाजीवादी विचारधारा लेकर आता है हिटलर सबके सामने। समझ में आता है दोस्तों? आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला चैप्टर जो आता है, ये वाला चैप्टर में बस इतना ही था कि मतलब इसके परिणाम क्या निकले, तो परिणाम में आप जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, कि किस तरह से उनका आर्थिक नुकसान हुआ, सारी चीजें आप बताओ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला चैप्टर, समझ में आया वाला, आगे बढ़ू मैं? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्र संघ और शासन देश प्रणाली, ठीक है, ये राष्ट्र संघ है क्या? अब देखो, जो वर्साय की संधि होती है ना, जो पेरिस शांति समझौता होता है, इसमें एक रिजल्ट ये निकल के आता है, एक लोगों के सामने एक आइडिया ये निकल के आता है कि अगर मान लो कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था हो जो हमारे ऊपर कंट्रोल करे, तो युद्ध होगा ही नहीं कभी। क्या होता है, हमारे घर में भी हम भाई बहन लड़ रहे हैं, तो हम सोचते हैं अगर मम्मी हो या पापा हो तो हम युद्ध करेंगे नहीं, लड़ेंगे ही नहीं अपने भाई बहन से, लड़ने का मतलब हिम्मत ही नहीं होगी, अगर लड़ेंगे तो मम्मी पापा मारेंगे, पीटेंगे, अलग हाथ पर तोड़ताड़ देंगे, पता नहीं चलेगा बेलन से मार रहे किससे मार रहे, नॉर्मली आइडिया कॉन्सेप्ट ये निकलता। तो सेम वहां पे भी जर्मनी और जो बाकी जो कंट्रीज होते हैं जो भी वर्साई की संधि में शामिल होते हैं, टोटल 27 कंट्री शामिल होते हैं, तो उनके सामने ये एक निकलता है आइडिया कि अगर मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो जो हम पे नजर रखे, अगर कभी युद्ध हो तो वो हमें कंट्रोल करे, ठीक है, तो कभी युद्ध होगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या करते हैं, राष्ट्र संघ की उस वो राष्ट्र संघ की स्थापना का वो करते हैं,
ठीक है, राष्ट्र संघ का आइडिया देते, कॉन्सेप्ट लाते हैं, जिसको हम नेशनल लीग भी कहते हैं, ठीक है, नेशनल लीग, लीग ऑफ नेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लीग ऑफ नेशन के नाम से अगर क्वेश्चन बन जाए ना, लीग ऑफ नेशन क्या है, तब राष्ट्र संघ ही बताओगे आप, ठीक है, या फिर पूछा जाए राष्ट्र संघ क्या है तो भी आप राष्ट्र संघ बताओगे, या लीग ऑफ नेशन क्या है तो भी आप राष्ट्र संघ बताओगे। यहाँ पे दो कंफ्यूजन होती है दोस्तों, एक क्वेश्चन, एक कंफ्यूजन ये रहती है कि लीग ऑफ नेशन से भी क्वेश्चन बनता है, राष्ट्र संघ से बनता है, और दूसरा ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ करके पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ दो अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो संस्था है जो वर्क करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, यूएनओ, ठीक है, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, और जो पहले बनी थी जिसको हम राष्ट्र संघ के नाम से जानते थे, ठीक है, जिसे हम लीग ऑफ नेशन कहते थे, लीग ऑफ नेशन कहते थे, वो राष्ट्र संघ था, ठीक है। अब देखो इसकी राष्ट्र संघ की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि जो भी कंट्रीज थे उस समय शामिल, उन्होंने को ये आइडिया मिलता है कि अगर कोई बड़ी संस्था हमारे साथ जुड़ जाए, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था जुड़ जाए, तो कभी युद्ध होगा ही नहीं। अगर कोई कंट्री युद्ध करेगा तो वो जाके उसे समझाएगा कि भाई युद्ध में क्या रखा है, युद्ध मत करो, आगे बातचीत कर लेते हैं, बातचीत करके सुलझा लेते हैं, ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट रहेगा सबके सामने। तो राष्ट्र संघ यहाँ पे लेकर आते हैं, राष्ट्र संघ के अंदर में अब वो क्या करते हैं कि कई तरह के भाषाएं, चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, वो सब सारी चीजें यहाँ पे लेकर आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्र संघ क्या था तथा इसकी शासन देश प्रणाली समझाओ। शासन देश प्रणाली मतलब क्या होता है कि वो किस तरह से वर्क करता था, उसके कार्य करने का तरीका क्या, ठीक है। नॉर्मली पता है क्या दोस्तों क्या होता है, जो भी आपके एसओएल हो, चाहे आप 12th क्लास में, किसी भी क्लास में अगर हो, तो हमें चैप्टर पता होता है सब कुछ, अगर हमें कोई समझा दे क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है, तो अगर आप पढ़ के गए हो थोड़ा बहुत तो आप लिख सकते हो, पर हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका ही वो चेंज करता है, जिसके बाद हमें समझ में ही नहीं आता क्वेश्चन कि हम आंसर क्या दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा वो पूछा जाएगा कि राष्ट्र संघ की शासन देश प्रणाली समझाओ, या राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य थे, राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, क्या कारण था, ये सारी चीजें बनता है, इस तरह से क्वेश्चन बने। क्वेश्चन कोई भी आए सेम आंसर आएगा सभी, ठीक है, सबसे मैं बड़ी बात, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे सब ना 10 ईयर या फिर किंग चैंपियन से पढ़ के जाते हैं कि भाई राष्ट्र संघ की शासन देश प्रणाली समझाओ, और वहां पे आता है राष्ट्र संघ का महत्व बताओ। अब बोलते हैं यार सर आपने तो बताया राष्ट्र संघ की शासन उद्देश्य और यहाँ पे महत्व आ गया, अब क्या करूं मैं। तो क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ सेम ही लगेगा और प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप अच्छे से आइडिया मिल जाएगा और आप लिख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे शासन देश प्रणाली के अंदर में बात करेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है मेनली कि कमजोरी बताने की बात कर जाती है कि राष्ट्र संघ कमजोर क्यों था, क्यों उसका मतलब चल नहीं पाया सही से, रीजन क्या था चल नहीं चलने का, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका रीजन अगर देखोगे कि राष्ट्र संघ चल क्यों नहीं पाया, तो रीजन मेनली यहाँ पे यह कि जो राष्ट्र संघ था वो उसमें बड़ी शक्तियां शामिल नहीं थी, सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर कौन देखा गया, अमेरिका देखा गया, और अमेरिका इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, ठीक है, सारे कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे थे पर अमेरिका नहीं कर रहा। आपको इसमें पता होगा दोस्तों कि बीटो पावर एक करके, बीटो पावर होते क्या है, अब मैं बताने से पहले बता दूं, मुझे पहले बीटो पावर होता क्या है, वीटो पावर होता क्या है, यस, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वीटो पावर एक तरह से कोई भी रूल रेगुलेशन में लेकर आ, ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई रूल रेगुलेशन लेकर आया, जैसे आज मैंने कहा कि आप सभी को 5 क्वेश्चन के आंसर मुझे देने हैं, ठीक है, और आप में से 5 लोगों के पास वीटो पावर है, तो आप अगर आप में से किसी एक ने भी उस पर रोक लगा दिया कि मैं नहीं दूंगा, ठीक है, आपने वीटो यूज किया, अपना वीटो पावर यूज किया, तो उसके बाद क्या होगा कि उस क्वेश्चन पे रोक लग जाएगा और दोबारा वो मतलब दोबारा लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई भी रूल लेकर आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और उसपे वीटो पावर अगर यूज कर दें तो वो उस पर रोक लग जाएगी, वो रूल वर्क नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आता है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वीटो पावर ये होता है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रूल होता है, यस सॉरी ब्रदर मैंने सुना नहीं, आप बोलो दोबारा। देखो वीटो पावर क्या होता है कि जो कंट्री होती है उनको वीटो पावर मिलती है जी, एक तरह का बहुत स्ट्रांग पावर है, पावर इस तरह का कि अगर कोई रूल रेगुलेशन आया किसी कंट्री द्वारा लाया गया है तो उसके ऊपर रोक लगाना, अस्थाई रूप से रोक लगाना वीटो पावर कहलाता है, ठीक है। जैसे भारत कई बार ट्राई किया कि जो पाकिस्तान के जो मतलब 9/11 के, 9/11 26/11 के जो मास्टर माइंड है, ठीक है, जो मुंबई हमला हुआ था 26/11 ताज होटल का, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाया जाए, ठीक है, भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव रखा कि भाई इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर,
अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने से क्या होगा कि वो मेरा अकेले का दुश्मन रहेगा नहीं रहेगा, वो पूरे वर्ल्ड का दुश्मन हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड उसको पकड़ के मारना चाहेगा। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम आतंकवादी घोषित करते हैं तो, अगर ऐसे क्या है अभी कि अगर वो बंदा दिखेगा तो सिर्फ भारत का दुश्मन है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित करते हैं तो अमेरिका का भी रहेगा, इसराइल का भी रहेगा, बाकी कंट्रीज का भी वो ये दुश्मन रहेगा। ठीक है, समझ में आता है? तो भारत जब भी वो प्रस्ताव लाता है तो चीन क्या किया, उसके ऊपर अपना वीटो पावर यूज करता है, उसको रोक देता है, तो भारत दोबारा ला नहीं पाता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है कि जो भी प्रोसेस से वो पहले लाया था उसी तरीके से दोबारा लाना, मतलब किसी भी रूल रेगुलेशन पे अस्थायी रूप से रोक लगा देना। ठीक है, वीटो पावर ये कहलाता है। ठीक है, कोई भी रूल रेगुलेशन हो उसको अस्थायी रूप से रोक लगा देना वीटो पावर कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली इस वाले क्वेश्चन में जो राष्ट्रसंघ वाला है, यहाँ पे कमजोरी के बारे में पूछा जाता है कि राष्ट्रसंघ फेल क्यों हो गया, कमजोरी क्या थी उसकी, रीजन क्या था राष्ट्रसंघ का फेल होने का। तो पहला रीजन आता है कि वीटो पावर का बहुत ज्यादा यूज करना। ठीक है, पावर और बड़ी बड़ी कंट्रियां जो पावरफुल कंट्रियां थी उसका साथ ना हो। ठीक है, अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ठीक है, अमेरिका ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, जबकि अमेरिका का ही आइडिया था कि इस तरह का हमें चीजें करनी चाहिए, और उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर मान लो घर के अंदर में कोई गेम खेल रहे हैं, या फिर मान लो आपने कोई क्रिकेट मैच का वो रखा, प्लानिंग किया कि भाई क्रिकेट मैच खेलना है, क्रिकेट खेलना है। ठीक है, और उसमें जो मेन है, कैप्टन है आपकी टीम का, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वही नहीं जा रहा खेलने के लिए, तो क्या आप मैच जीत पाओगे? बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। सेम इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी वही होता है, अमेरिका एक अच्छा सा खासा पावरफुल शक्ति के रूप में उभरता है फर्स्ट बोलोर के बाद, और वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसके कारण से लोगों को ये लगता है कि अगर अमेरिका नहीं है तो हम मतलब करके लेंगे, अपनी मनमानी करो। हमारे घर में भी तो यही होता है ना, जैसे मम्मी नहीं रहती और हमें मम्मी भूल के गई कि यार आप सारे अपने भाई बहन का ध्यान रखना, तो हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से, टीवी मम्मी बोल के गई आधा घंटा देखना, हमें 1 घंटा देख रहे। अगर भाई बहन ने बोला कि भाई टीवी बंद करे, तो बोलेंगे यार अभी मेरा मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से देखूंगा, जब मम्मी से बोल। आप आज सोच रहे हो यार मम्मी पापा का रिलेशन, वो इतना ज्यादा एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, तो घर में बैठा हूँ, संडे है, इस कारण से सारी मम्मी मेरी देख रही है, सामने बैठी है, तो उसके कारण से सारा एग्जाम्पल है, मैं मम्मी पे एक बार ही निकल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया जाता है, तो इसका मेन मोटिव क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करना। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बनता है तो इसमें असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इराक का इसमें मुद्दा आता है, इराक अफगानिस्तान का मुद्दे उठते हैं। ठीक है, और जो रूस का होता है, रूस का अलग अलग जगह पर हमला करना, ठीक है, जर्मनी के ऊपर दबाव बनाना, जर्मनी के जबरदस्ती उसके जो फाइटर प्लेन होते हैं इन सब पे कब्जा कर लेना। ठीक है, ये सारे जो मुद्दे होते हैं ये उसके असफल होने के कारण बनते हैं राष्ट्रसंघ के। अब मान लो रूस क्या करता है, जर्मनी के फाइटर प्लेन को कब्जा कर लेता है, तो जर्मनी कंप्लेन करता है राष्ट्रसंघ में, तो राष्ट्रसंघ कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि वीटो पावर यूज कर लेता है, अगर राष्ट्रसंघ कुछ करना चाहता है तो वीटो पावर का ज्यादा यूज करना, रूस का मतलब नेतृत्वहीन होना, नेतृत्वहीन एक पॉलिटिकल वर्ड है, नेतृत्व मतलब होता है किसी को लीड करना, और नेतृत्वहीन मतलब कोई लीड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जर्मनी मतलब रूस था ना, वो किसी कोई लीड नहीं कर रहा था उसे, तो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर रहा था। ठीक है, पूरी तरह से वो आजाद था, स्वतंत्र, जो मर्जी करे, कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, ब्रिटेन भी अपनी वीटो पावर का बहुत ज्यादा यूज कर रहा था, ब्रिटेन भी किसी के ऊपर भी दबाव बना रहा था। ठीक है, और बहुत सारी चीजें चल रही थी दोस्तों। अभी भी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, पर जुड़ने का भी कोई मतलब ज्यादा बेनिफिट है नहीं आपको, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, 1 घंटे से आपकी ज्यादा की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, ये लास्ट लेसन होगा आपका, और जो इवनिंग में मैं करवाऊंगा उसमें मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो इवनिंग वाले में भी जरूर आना। यहाँ पे जो क्वेश्चन इसका बनता है, फटाफट पहले खत्म करते हैं क्वेश्चन को, 5-7 मिनट में। यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा असफलता वाला बनेगा, जिसमें आप बताओगे कि ना असफलता वाले में वीटो पावर का यूज करना, ठीक है, रूस की मतलब रूस के द्वारा नेतृत्वहीन होना, नेतृत्वहीन होना, ठीक है, जर्मनी का मतलब जर्मनी के मतलब कंप्लेन के द्वारा भी मतलब उसको सॉल्व नहीं करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा सुनवाई ना किया जाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है वो सुनवाई नहीं करता है, जब जर्मनी कंप्लेन करता है यूएनओ के उसमें राष्ट्र संघ में कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दो, पर राष्ट्र संघ करता नहीं है। और जर्मनी कंप्लेन क्यों करता है, क्योंकि जो रूस होता है उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रहा होता है। ठीक है, उसके फाइटर प्लेन को, उसके तोप जो होते हैं उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, जो उसके पनडुब्बी होते हैं उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, ये सारी चीजें के कारण ये प्रॉब्लम फेस हो रहा होता है और ये असफल होता है। ठीक है, और रोक नहीं लगा पाता है, मतलब होता है ना एक कमजोर शासक के तौर पे दिखाता है, ये जो ये राजसंघ होता है एक तरह से कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते कि यार कोई भी कुछ कर रहा है वो बोल नहीं पा रहा है किसी को भी, तो ये रीजन होता है इसके असफल होने का। समझ में आता है दोस्तों?
समझ में आ रहा है, एक बार फटाफट बता दो फिर मैं इसके एक बार वापस से रिवाइज करवा दूँ आपके ये सारे चैप्टर, ठीक है? फिर यूनिट थर्ड जो होगा वो शाम को मैं इवनिंग में करवा दूंगा, ठीक है? एक बार मैं रिवाइज करवा दूँ जहाँ से मैंने पढ़ाया है, एक बार फटाफट 5-7 मिनट में रिवाइज करवा दूँ जिससे सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? करो, चलो वापस से आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे, यूनिट सेकंड के फर्स्ट चैप्टर पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है? यहाँ पे आता है प्रथम विश्व युद्ध के कारण, पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध होने के क्या कारण थे, ठीक है? तो कारण आप बताओगे कि भाई यूरोप के दो गुटों में बंटना, हथियारों की होड़ करना, सैन्यवाद का प्रचार मतलब सैन्यवाद का बढ़ाना, ठीक है? समाचार पत्रों का विषैला होना, समाचार पत्रों का विषैला होना मतलब जो जो गलत तरीके से जो न्यूज करते थे, यस। और क्या हो जाएगा, जो लीडर्स हुआ करते थे उनका भड़काऊ भाषण देना, ठीक है? तो वहां पे भड़काऊ भाषण नहीं करके ना बोलेंगे जनमत को विषैला बनाना, ठीक है? भड़काऊ भाषण थोड़ा लोकल लैंग्वेज हो जाता है, आप वहां पे यूज करोगे वर्ड जनमत को विषैला बनाना, ठीक है? जनमत मतलब होता है जन मतलब लोग, मत मतलब लोगों की विचारधारा, और विषैला मतलब उसमें जहर घोलना, लोगों की विचारधारा के अंदर में जहर घोलना, ठीक है? जनमत को विषैला बनाना, समझ में आता है ये पॉइंट, ठीक है? तो जनमत को विषैला बनाना और साम्राज्यवाद का प्रचार, साम्राज्यवाद को बढ़ाना। साम्राज्यवाद क्या होता है, जैसे ब्रिटेन के गुलाम हम रहे थे उसी तरह दूसरे देश भी दो और दूसरे कंट्रीज को गुलाम बनाना चाहते थे, ठीक है? तो ये साम्राज्यवाद के कारण भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है? तो टोटल ये 8-9 पॉइंट तो इधर हो गए, और अगर आप एक बार अगर बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? समझ में आता है, ये कारण हमने पढ़ा। इसके अंदर में मेनली जो मेन रीजन दिखा जाता है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड होने का रीजन क्या था, तो गुप्त संधियां, जो गुप्त संधियां थी जो बिस्मार्क ने किया, ये सारी रीजन आता है, बिस्मार्क की नीति, गुप्त संध्या, ये भी एक रीजन के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? दोस्तों जो भी मैं अभी तक क्वेश्चन करवाया हूँ सभी के पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पॉइंट्स के बेस पे अगर आप पॉइंट लिख बनाकर लिखोगे तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो आप भूल जाओ कि आपको नंबर मिल रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलने वाले, पॉइंट्स में ही नंबर मिलेंगे, इसलिए मैं पॉइंट्स में बताया सारे क्वेश्चन, ठीक है? आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो अगला को चैप्टर बनता है कि यूरोप और विश्व के मतलब प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बताओ, ठीक है? प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम बताओ, तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में क्या होगा कि भाई इसको तीन तरीके से हम परिणाम दिखाएंगे, कौन कौन से, तो राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सांस्कृतिक परिणाम, तीन तरीके से परिणाम हम दिखाएंगे। जिसमें राजनीतिक परिणाम में क्या होगा कि जो भी कंट्रीज थी उनको बहुत ज्यादा मतलब रिलेशनशिप का नुकसान हुआ। अब मान लो कि हमने किसी कंट्री के साथ रिलेशन बना रखा है कि व्यापारिक रिलेशन है या कुछ भी रिलेशन है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो तू हमें पार्टी हमारे साथ दियो, पर वहां पे इस तरह नहीं हो पा रहा है, युद्ध के कारण सारा कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है? तो रिलेशनशिप को टूटना ये भी एक रीजन यहाँ पे हम बताएंगे कारण, परिणाम के तौर पर, ठीक है? दोस्तों जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर ले, म्यूट कर ले जिससे बाकियों को दिक्कत ना हो सुनने में, ठीक है? एक बार माइक म्यूट कर ले अपना प्लीज, 5-7 मिनट की बात है, 7 मिनट के अंदर में हो जाएगा, ठीक है? 5-7 मिनट की बात है, एक बार आप मैनेज कर लो, ठीक है? ज्यादा हो हाँ, पर्यावरण आप सामाजिक और जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव है उसमें बता सकते हो, क्योंकि जिस तरह से युद्ध हुआ, जितना जान माल की हानि हुई उसके ऊपर में पर्यावरण का भी क्षति पहुंची, ठीक है? बहुत ज्यादा तौर पर पहुंचा, तो उसमें सांस्कृतिक और राजनीतिक वाले, सांस्कृतिक और सामाजिक में आप दिखा सकते हो इसे, ठीक है? आप राजनीतिक में हमने बता दिया कि भाई किस तरह से हमारे जो संधियां थी वो टूट गई, ठीक है? व्यापार को नुकसान हुआ, ठीक है? किस तरह से हमने हथियारों की होड़ शुरू कर दी, तो सारा चीज परिणामों में दिखा रहे हैं, ठीक है? सैन्यवाद का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, ये राजनीतिक में आ जाएगा। अब सारी कंट्रियां थी ना उनको डर था कि अगर यार इसके पास 10 सैनिक है और मेरे पास सिर्फ 5 है तो क्या पता ये हमला कर दे मैं हार जाऊं, तो सभी कंट्री ने क्या किया कि सैनिक बनाने शुरू कर दिया कि भाई मुझे भी 10 सैनिक चाहिए, 10 क्या 12 चाहिए, तो ये भी एक कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, समझ में आता है दोस्तों, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप, मैं समझा नहीं बेटे आपकी बात एक बार मुझे, सॉरी मैंने आपकी बात समझा नहीं, आप मुझे एक बार दोबारा बताओ। डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, फर्डिनेट, 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 राजकुमार फर्डिनेट, ठीक है? यस, देखो वहां पे जो राजकुमार फर्डिनेट थे और उनकी बीवी सोफिया, ठीक है? वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार होते हैं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार होते हैं, ठीक है? और वो अगले राजा के तौर पे माने जाते हैं कि अगले राजा वही बनेंगे उत्तराधिकारी,
ठीक है, कि अगले राजा बने, यस, राजकुमार फर्डिनेट और उनकी बीवी सोफिया, ठीक है, वो 16 जीवा में जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का तत्कालिक कारण हम लिखेंगे इसको, ठीक है, तत्कालिक कारण में लिखेंगे कि जो इमरजेंसी रीजन क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, ठीक है। अब मैं इमरजेंसी रीजन अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताऊँ आपको, तो जैसे क्या होता है कि अगर मान लो मेरी आपसे दुश्मनी है, मान लो किसी का भी नाम लेते हैं, राम नाम का एक लड़का है, ठीक है, राम अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, मान लो कोई कोई भी लड़का है, ए नाम का कोई लड़का है, ठीक है, उससे मेरी दुश्मनी है भाई, ठीक है, मान लो मैं उसको मारना चाहता हूँ, वो मुझे मारना चाहता है, हम दोनों की आपस में लड़ाई है। अब हम एक ऐसा मौके की तलाश में है कि अगर मौका मिले तो हम दोनों लड़े, ठीक है, पर कोई रीजन नहीं मिल रहा किस कारण से लड़े। तो एक दिन क्या होता है कि हम जाते हैं घूम, एक गली से गुजर रहा था मैं, अब वो गलती से मुझे मेरे सामने नजर के सामने आ जाता है। अब मैं ना सबके सामने ये रीजन रखता हूँ, जैसे दिखता है वो मुझे मारना शुरू कर देता हूँ और वो मुझे मारना शुरू कर देता है। रीजन क्या होता है, अब यहाँ पे मैं उसे क्या बोलता हूँ, मैं मारता हूँ तो वहां पे क्या, अब जो लोग आते छुड़ाने वाले, जो बचाने वाले, वो पूछते क्यों लड़ रहे हो, तू तो शांति से जा रहा था, वो भी शांति से जा रहा था, लड़ने क्यों लगे। तो मैं वहां पे बोलता हूँ मैं किसी शुभ काम से जा रहा था, ये सामने आ गया, इसकी शक्ल देख लिया, मेरा काम नहीं होगा, इस कारण से इसे मार रहा हूँ। वो रीजन तो कोई बना नहीं लड़ने का, पर एक लड़ाई करने का मुझे बहाना चाहिए था, तो मैंने इस बहाने से लड़ लिया, ठीक है। तो जो वहां पे ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेट और उनकी वाइफ सोफिया की हत्या होती है, मर्डर होता है, काला हाथ नाम की संस्था के द्वारा हत्या की जाती है, तो ये रीजन बताया जाता है कि भाई इसकी हत्या हुई है, इसके कारण से हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का तत्कालिक कारण होता है इमरजेंसी में युद्ध करने का, वो ये होता है उसके पीछे, जबकि बहुत दिन से हमारी लड़ाई चल रही है, वो नहीं देखता कोई, ठीक है। जैसे मैंने उसका शकल देखा, मारना शुरू कर दिया, तब लोगों को ये नहीं पता कि इतने दिन से पीछे से हम लड़ रहे हैं, हमारी दुश्मनी चल रही है, उसको उसको कोई वैल्यू नहीं है, पर मैंने उसकी शकल देखी, इसके कारण से लड़ाई किया, ये मेन मैटर करता है, ठीक है। जो तत्कालिक रीजन था ये था, समझ में आता है, ये एग्जाम्पल था बस, ठीक है, एग्जाम्पल था और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा ना जाए, ठीक है। तो परिणाम में आप तीन तरीके से यहाँ पे दिखाओगे, परिणाम पे वापस से आते हैं, तो तीन तरीके से आप परिणाम दिखाओगे, राजनीतिक परिणाम जो मैंने बताया, संध्या टूट गई, ठीक है, सैनिकवाद का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है, साम्यवाद का, साम्यवाद कह रहा हूँ, वो साम्राज्यवाद का प्रचार प्रसार बढ़ना, ठीक है, साम्राज्यवाद की तरफ से मतलब महत्वाकांक्षा का बढ़ना, ये सारा राजनीतिक होता है। अब भारत उस समय में दोस्तों आप देखोगे, भारत के अगर रोल देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इंडिया के लगभग 10 लाख सैनिक पार्टिसिपेट किए थे भारत की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और पता है जितने सैनिक हमारे भारत से गए थे, इंडिया से गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में, उतने सैनिक ना जर्मनी के पास थे, ना फ्रांस के पास थे, ना इंग्लैंड के पास थे। सोचो अगर हम ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर रहे तो क्या पता हम जीत भी जाते, सोच सकते हो, 10 लाख सैनिक हमारे पास थे, जर्मनी के पास जबकि 9,90,000 थे, 10,000 हमसे कम ही थे, फ्रांस के पास टोटल 60,000 सैनिक थे, उसने बाद में बढ़ाकर 3.5 लाख किया था, अमेरिका के पास 7.5-3 लाख सैनिक थे। तो इस तरीके से अगर हम युद्ध में पार्टिसिपेट करते तो हम जीत भी जाते। आवाज नहीं आ रहा ब्रदर, एक बार आप माइक सही करके तो बोलो, फिर आपकी आवाज आएगी। ब्रदर देखो दोस्तों, आप ना अपना अपना माइक ऑफ कर लो, पता चला आपकी मम्मी मार रही हो, डांट रही हो, तो यहाँ तक सुनाई दे, बेइज्जती होगी सबके सामने आपकी, ठीक है। तो प्लीज यार अपना माइक जरूर ऑफ कर ले, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती होगी, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं, परिणाम हम यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक में आप दिखाओगे कि इकोनॉमिकली हमें नुकसान हुआ, जो भी इंडस्ट्री थी वो मतलब उनका नुकसान हुआ, ठीक है, व्यापार को क्षति पहुंची, जो वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था थी वो गिर गया, ठीक है, जो भी सकल घरेलू उत्पाद हुआ करता था, जीडीपी हुआ करता था उस समय, वो भी नुकसान हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो थे वो क्षति पहुंची उसे, ठीक है, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे, ठीक है। जो बेरोजगारी बढ़ गई, अब जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी यार मेरा इंडस्ट्री है, मैं उसमें पार्टिसिपेट किया, मैं हार गया तो मेरा इंडस्ट्री तो खत्म हो गया, तो जो मेरे यहाँ पे काम करते थे लोगों को बेरोजगारी तो होंगी, तो इस सारे तरह से बेरोजगारी बढ़ती है, सारी चीजें हम यहाँ दिखाएंगे, महामारी फैल जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा जानमाल की हानि होती है। और सामाजिक और आर्थिक वाले में दिखाओ, सामाजिक और सांस्कृतिक वाले में दिखाओ कि पर्यावरण को, जैसे अभी किसी ने पॉइंट बताया था पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, ठीक है, आप वहां पे ये भी पॉइंट बताओगे कि जानमाल की हानि हुई, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें आप वहां पे दिखा दो। तो तीन तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, परिणामों को हम तीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, अगर कुछ भी पूछना हो इस यहाँ तक के अभी जब तक जो भी पढ़ाया है वो पूछ लीजिए आप, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप सबों का और मैं आगे बढ़ू फिर इसके बाद फटाफट। कोई कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक अभी तक में, कोई भी क्वेश्चन मन में,
नहीं, देखो जो लीग ऑफ नेशन है, राष्ट्र संघ है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों को एक इंग्लिश में एक हिंदी में, ठीक है, राष्ट्र संघ और लीग ऑफ नेशन। अगर पर अगर यहाँ पर ये साहब बोलो पहले। यस अलग, देखो क्या होता है ना, पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, यस बोलिए, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो किसी का, ठीक है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो उसके बाद ये रिजल्ट निकलता है कि अरे एक अंतर्राष्ट्रीय अगर संस्था होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये लोगों के मन में एक आइडिया आता है कि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी जो हमें कंट्रोल करे कि युद्ध होने से रोके, सब चीजें उसे रोके, तब अच्छा रहेगा, ऐसा लोगों के मन में एक आइडिया आता है, ठीक है। तो जिसके बाद से वो क्या करते हैं कि मतलब राष्ट्र संघ का आइडिया देते हैं कि राष्ट्र संघ हमें बनाना चाहिए, लीग ऑफ नेशन बनाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट वो लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये चल रहा होता है पहले, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो यही रहता है। 1945 में जाकर ये समझ में आता है कि जो राष्ट्र संघ था उसने अपना काम सही से किया ही नहीं, जिसके कारण से दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अगर वो सही से काम करता तो वो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था, शांति स्थापित करना, ठीक है, युद्ध होने से रोकना, ठीक है, किसी को भी आपस में नहीं लड़ाना, ठीक है, सबके ऊपर दबाव बना के रखना, ये सारा मेन रीजन उसमें आता है, ठीक है, कि सभी देशों के ऊपर अपना दबाव बना के रखे, पकड़ बना के रखे, जिससे युद्ध ना हो। पर युद्ध हो जाता है तो लोगों को लगता है यार ये तो फेल हो गया, उसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं 1945। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। यस, जो राष्ट्र संघ आता है वो 1919 में स्थापित होता है, ठीक है, राष्ट्र संघ जो आता है 1919 में उसका आइडिया आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके स्थापित करते हैं और उसमें कंट्रीज जोड़ते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में, ठीक है। यस, पर जिस कंट्री के पास वीटो पावर हो वही, ठीक है, जैसे अभी की बात करोगे, करंट सिचुएशन बात करोगे 2020 का, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, ठीक है, 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनको कोई नहीं हटा सकता, और जो 10 मेंबर होते हैं, ये वाला भी टॉपिक जो है आगे नेक्स्ट बुक में आपके आएगा, ठीक है, जहां पे मैं समझाऊंगा आपको सही से, यहाँ पे हम समझते हैं बस। 2020 के अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर होते हैं परमानेंट मेंबर, जिनको कोई नहीं हटा सकता, वो परमानेंट है, फिक्स है ऑल टाइम के लिए, ठीक है। जो 10 मेंबर है वो दो दो साल के लिए बनते हैं, 2 साल के लिए ये है, 2 साल के लिए वो, तो भारत भी उसमें रहता है, ठीक है, 10 वाले नंबर में ना भारत भी आता है, कई बार वो बना है, ठीक है। अब अगर 5 वाले की बात करोगे तो उसमें टोटल 5 कंट्रियां शामिल है जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, सिर्फ 5 कंट्री के पास वीटो पावर है, वो किसी भी तरह की रूल रेगुलेशन के ऊपर रोक लगा सकते हैं अपने वीटो पावर का यूज कर, जैसे भारत, चीन, मैंने अभी बताया था जो एग्जांपल दिया था कि आतंकवादी, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना चाहता है पर चीन रोक लगा देता है, ठीक है, भारत वीटो पावर देना चाहता है, बाकी कंट्री साथ देती है पर चीन रोक लगा देता है, ठीक है। तो ये जो वीटो पावर चीन के पास है वो पहले भारत के पास ही था, पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा, यार जब भारत को ऑफर किया गया कि आप ले लो वीटो पावर, तो उन्होंने, उनको लगा यार मैं क्या करूंगा लेकर, चलो चीन को दे, तो इस कारण से वो चीन के पास चला जाता है वीटो पावर, ठीक है। जो अभी वीटो पावर किन किन कंट्री के पास है आप कोई बताएगा मुझे, वीटो पावर किन किन कंट्रियों के पास अभी है, कोई किसी को आईडिया है मुझे बताएगा। यस, 5 कंट्री के पास वीटो पावर है, जिसमें आएगा आपका अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, यस, तो जो भी जीते हुए देश थे, जो भी जीते हुए कंट्री थी, ठीक है, उनको वीटो पावर दिया गया था, और ये कहा गया था जो विकासशील कंट्री, विकसित कंट्री है उन्हीं को वीटो पावर दिया जाएगा, ठीक है। तो रूस भी विकसित में आता था, क्योंकि रूस बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था उस टाइम पे, अमेरिका था ही, फ्रांस और इंग्लैंड थे ही विकसित, ठीक है, तो इनको दिया गया, जो जीत चुके थे युद्ध में, जो जीते थे, जीतने वाला पक्ष को दिया गया था वीटो पावर। चीन जीता हुआ नहीं था, पर भारत उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि भारत के पास सैनिक बहुत ज्यादा थे, चीन के मुकाबले में भी और बाकी कंट्रियों के मुकाबले में भी सैनिक बहुत ज्यादा थे, ठीक है, जिसके कारण से भारत को ऑफर किया गया था कि आप ले लो वीटो पावर। पर भारत का क्या होता है कि वो वीटो पावर लेने से मना कर देता है और चीन को दे देता है, कहता है ये मेरा बड़ा भाई है इसको दे दो, मैं क्या करूंगा लेकर, बड़ा भाई को होते हुए मैं लूंगा ये, मतलब हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनको ऐसा कॉन्सेप्ट होता है उनका, तो वो दे देते हैं, जिसके कारण से आज हम कई सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, समझ में आता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मैंने, कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए, किसी को कुछ पूछना है अभी। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के परिणाम क्या निकले, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम बताया। एक क्वेश्चन मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उत्तरदायी कारण क्या है, उत्तरदायी कारण मतलब जो एकदम इंपोर्टेंट कारण है, बाकी कारण तो होते हैं
ठीक है, हो गया युद्ध, पर मेन इंपॉर्टेंट इशू क्या है, तो वहां पे मैंने बताया बिस्मार्क की संधि, ठीक है, आपका गुप्त संधियां, जो हमने गुप्त संधि करी कभी ऑस्ट्रिया के साथ, इटली के साथ, रूस के साथ, ठीक है, जो गुप्त संधियां थी ये भी ग्रीस ने बताया, ठीक है, महत्वाकांक्षा, जो कंट्रीज थे, जो लीडर्स थे, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि भाई मैं सुपर पावर बनूं, तो ये भी एक कारण बनता है, साम्राज्यवाद का बढ़ाना ये भी एक कारण बनता है, ये सारी चीजें थी जो उत्तरदायी बनती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों, आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो पेरिस शांति समझौता वाला बताया था 1919 से 1920 के बीच में होता है, जिसमें नॉर्मली जर्मनी के ऊपर में कई तरह के विचार, मतलब दबाव लगाए बनाया जाता है, ठीक है, जिसको पेरिस शांति समझौता को वर्साय संधि के नाम से भी जानते हैं, कि वर्साय संधि भी इसे कहते हैं, ठीक है, तो पेरिस शांति समझौता कह लो या वर्साय संधि कह लो, दोनों सेम ही, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम, ठीक है। इसके अंदर में अब ये भी हम बात करेंगे कि पेरिस शांति समझौता के अंदर में क्या क्या चीज हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, किस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव में क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ इसी के कारण से होता है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा नुकसान हो जाती है, जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग जाती है, ये सारी चीजें हम उसमें दिखाएंगे, ठीक है, समझ में आता है ये वाला पॉइंट। चलो आगे बात करेंगे, तो लास्ट जो चैप्टर मैंने बताया आपको, तो राष्ट्र संघ वाला, तो लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ पे बात करोगे तो 1919 में इसकी विचारधारा आती है, ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 1939 के, मतलब स्थापना मतलब पहले ही हो जाती है, 1929 1920 के करीब में स्थापना, 1929 के मतलब कुछ समय पहले ही हो जाती है, 1919 के अंदर जो इसकी कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया जाता है कि किस हिसाब से हमें बनाना चाहिए इसे, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं ऐड करनी चाहिए, सारी चीजें वो लेके चलते हैं और बाद में जाके इसको ऐड करते हैं, पूरी तरह से बनाते हैं, पर इसमें जो क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट आपका, कि असफल क्यों हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, ये कारण बन, ये मतलब क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, अगर आप असफल होने की बात करोगे, असफल क्यों हुआ, तो वीटो पावर का ज्यादा यूज करना, ठीक है, दबाव नहीं बनाना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है उसका सही से कार्य ना करना, ये सारे कारण बनते हैं इसके असफल होने के। अगर इसका उद्देश्य देखोगे कि क्या उद्देश्य था स्थापना करने का, तो नॉर्मली उद्देश्य क्या होता है कि शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी देशों के ऊपर पाबंदियां लगाना, ठीक है, दबाव बनाना, ये सारा मेन उद्देश्य होता है, पर ये उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण से असफल हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 1.5 घंटे की क्लास थी, ठीक है, 1 घंटा मैंने बोला था, 1.5 घंटे की क्लास थी, ठीक है, तो आपको क्लास कैसा लगा, एक छोटा सा रिव्यू दे दो फटाफट, ठीक है, जिसके बाद अगर समझ में आ रहा होगा आपको, तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास भी लूँ, ठीक है, बट अगर आपको समझ में नहीं आया होगा या कुछ, चलो सुनकर बहुत अच्छा लगा, कोई और भी है जो फटाफट एक बार बोल कर रिव्यू दे दो यार, माइक ऑन करो, बोल कर रिव्यू दे दो, ठीक है, तो आप एक सजेशन दो मुझे फिर, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्या मुझे अगली क्लास पॉलिटिकल का भी मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ, इवन एवरी संडे मैं सोच रहा हूँ इस तरह की क्लास लेनी चाहिए, हम आपसे फेस टू फेस मिल सके और मतलब एक क्लास ले सके, बट लेना चाहिए, तो शाम की क्लास में क्या इसका आगे करवाऊँ या सेकेंड बुक स्टार्ट करवाऊँ ये भी बता दो, शाम की क्लास में कौन कौन आ सकता है, किसी शाम को दूसरा सब्जेक्ट, तो पॉलिटिकल आपने किस किसके पास पॉलिटिकल है, हाँ तो पॉलिटिकल कर लेते हैं फिर, पॉलिटिकल का कर लेते हैं, तो पॉलिटिकल का जो सबसे मेन चैप्टर है, जो उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक, विचारधारा वाला, उसमें यथार्थवाद की विचारधारा को लेकर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना यथार्थवाद, यथार्थवाद को, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ोगे तो, हाँ तो वो आप आगे वहां पे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, जब फर्स्ट चैप्टर अगर मैं करवाता हूँ मान लो, तो वो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो, उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं और वो इंपॉर्टेंट होता है, पर बच्चों को समझ में नहीं आता है, मैं भी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत हुई थी रियली, मैं जब मैं बताऊँ अपनी, तो मैं जब फर्स्ट थर्ड ईयर में था, तो जो विचारधारा वाला चैप्टर था, तो अपने प्रोफेसर से मैं पूछने गया कि सर ये बता दूँ, उन्होंने बताया बहुत अच्छे से, पर लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है कि हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, मैं बोला हाँ आ गया, घर पे आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था यार, और जब एग्जाम देने गया था ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि लिखा गया है इसमें करना क्या है, बहुत दिक्कत हुआ था, मुझे प्रोफेसर ने बहुत डांटा था, मतलब मेरा टेस्ट ले रहे थे, तो बहुत डांटा था यार तुझे, मैंने समझाया इतने अच्छे से समझ में नहीं आया, फिर मैंने तरीका ढूंढा कि किस तरीके से मैं समझ सकता हूँ, अब फाइनली मुझे ये है कि मुझे समझ में आता है अच्छे से, वो चैप्टर पूरा रटा हुआ है एकदम माइंड में सेट है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो भी ये क्वेश्चन है, मतलब ये जो भी पॉलिटिकल के जो, जैसे मैं शाम को सोच रहा हूँ पॉलिटिकल की क्लास ले लूँ, क्योंकि अगर हिस्ट्री हिस्ट्री रहेगी तो बोरिंग ना हो जाओ, पता चले आप आओ भी ना, ठीक है,
तो पॉलिटिकल क्लास ले लेता हूँ शाम को मैं, ठीक है? तो जो भी पॉलिटिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में हो बच्चे, तो उनको भी बोलें कि जुड़े हमसे, ठीक है? मैं ग्रुप में लिंक दे दूंगा, ठीक है? तो वहाँ पे ये कर सकते हो, और थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे आप तो आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप भी क्वेश्चन पुटअप कर पाओगे, क्योंकि पढ़ोगे तो आपके पास डाउट निकलेगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो 7 to 8 नहीं रहेगी, 6 to 7 रहेगी, 6 to 7 रहेगी, ठीक है? दिन में मेरी और भी क्लास है, मैं अभी थोड़ी देर में निकलूंगा अपने क्लास के लिए, ठीक है? मेरी ऑफिस क्लास है तो मैं निकलूंगा अभी, ठीक है? तो 6 to 8 रहेगी, 6 to 7 रहेगी, मतलब 6 to 7 है, पर 7 8 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास अच्छी रही तो कंटिन्यू करूंगा आगे, जैसे अभी मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया, ठीक है? तो मैंने 1.5 घंटे के क्रम में क्लास लिया, जबकि मुझे 1 घंटा ही लेना था, ठीक है? तो अगर मजा आया मुझे पढ़ाने में, अच्छा लगेगा, आप सपोर्ट करोगे, तो 1.5 2 घंटे भी हो सकते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये मैंने अभी वीडियो कॉलिंग पे क्लास ली जूम पे, तो ये रिकॉर्ड हो चुका है, मेरे पास एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है? पूरी तरह से रिकॉर्ड, क्योंकि एक सेव हो जाता है रिकॉर्ड करके, तो क्या मैं इसको यूट्यूब पे डाल सकता हूँ? ओके, क्योंकि आपका एक सब वो चाहिए था, एग्री चाहिए था, क्योंकि अगर मान लो आप मना करोगे तो वो दिक्कत है, क्योंकि आपकी फोटो आ रही है कहीं ना कहीं, किसी की फोटो आ रही है, किसी की इमेज आ रही है, ठीक है? इस कारण से, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को इसलिए मैं डालना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं डालूंगा तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि मैंने पढ़ाया इस तरीके से, ठीक है? तो वो भी जुड़ना चाहेंगे, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को मिले, इस तरह की फायदे मिले, ठीक है? और मेन पढ़ाने का मोटिव ये नहीं है कि यार मुझे पैसे मिल रहे हैं कुछ और, ठीक है? पैसे के लिए मैं वर्क नहीं करता, ठीक है? जो भी मैं पढ़ाता भी हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे के लिए वर्क पढ़ाना वेस्ट लगता है। और पढ़ाने का मेन रीजन ये है दोस्तों, मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जब मैं खुद कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो मैं क्लासेस की फी नहीं अफोर्ड कर पाता था जितनी मेरी फी लगती थी, ठीक है? जो मैं ट्यूशंस मतलब जो सेंटर में जाया करता था पढ़ने के लिए, तो उनकी फी ऑलमोस्ट यार थाउजेंड्स में हुआ करती थी, मेरे फादर दे नहीं सकते थे उतनी, ठीक है? जिसके कारण से मैंने खुद यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इवन ऑफलाइन ही स्टार्ट किया, और बनाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, ठीक है? कोई पैसों का मोटिव नहीं है कि पैसे के लिए पढ़ाना या कुछ और, ठीक है? जितनी रिसोर्स है मेरे पास उसी में से सोचता हूँ कि जितना अच्छा कर सकूँ, ठीक है? तो आपका मैं सोच रहा हूँ वीडियो डालने के लिए यूट्यूब पे, जिससे और भी बच्चे जुड़े हमसे, ठीक है? समझ में आ रहा है दोस्तों जो मैं क्या कह रहा हूँ? यस, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, शाम को मिलते हैं 6 बजे, ठीक है? और अपने जो भी दोस्त हो आप उनको एक बार जरूर बताएं कि क्या क्लास था, कैसा रहा, ठीक है? इसके बाद फिर हम पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, मजा आएगा, ठीक है? आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको भी समझ में आए कि आपने क्या क्या क्वेश्चन आप पुट अप कर सको उसको, ठीक है? क्वेश्चन भी आप पुट अप कर पाओगे अगर आप सही से समझते हो तो उसे, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, ठीक है?